हेलो एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वार्म वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ दिस इंग्लिश बैच एम आई ऑडिबल आवाज बिल्कुल क्लियर एक बार बता दीजिए शुरू में कल थोड़ी दिक्कत आ गई थी स्टार्टिंग में ऑडियो वीडियो बिल्कुल ओके है गुड इवनिंग गुड इवनिंग शमीम शिवम सत्य प्रकाश विपिन अमित वेरी गुड इवनिंग एवरी स्नेहा शुभम चेतन साक्षी ज एवरी थिंग ऑल राइट गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवान मोनिका ज्योति परीक्षित प्रभाकर सत्य प्रकाश आ जाओ बिल्कुल बिल्कुल एस बी आई पी ओ जी डी के लिए बिल्कुल सुटेबल है सो आइए लेट्स गेट स्टार्ट कल का जो सेशन था दैट वॉज मोर ऑफ एन यू नो ओरिएंटेशन सेशन सो दैट की आपको ये समझ में आए कि वॉट आर द चैलेंजेस एज फार एज इंग्लिश स्पीकिंग इज कंसर्न राइट डिड अंडरस्टैंड कि हमें किन किन चीजों पे फोकस करना है लेकिन जैसे ये बैच जो है वो बिगिनर टू एडवांस लेवल है लेवल से ही शुरू होगा कल तो एक ओवर था आपके पास तो बेसिक लेवल से ही आज हम शुरुआत कर रहे हैं और बिल्कुल इसका जो कोर्स कॉन्टेंट है वो यहां पर मैंशन है देखो टॉपिक वाइज जो कि मैं इसमें कवर करने वाला हूं बेसिक लेवल के अंदर तीन अलग अलग लेवल पे हम इस बैच को लेकर जाने वाले हैं राइट ये आपका बेसिक लेवल हो गया जहां पे खास तौर से जो नॉर्मल कन्वर्सेशन वाली इंग्लिश होती है किस तरीके से बात करें या आप होटल में जा रहे हैं या ऑनलाइन आप टिकट बुक कर रहे हैं वो कैसे आपने करना है किसी से रास्ता पूछना है कई बार शर्म आती कि कैसे पूछे बैंक में जाके बात करने में दिक्कत हो रही है so, सो इस तरह के जो चैलेंजेस हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल में आते हैं राइट right? तो बेसिक लेवल पर हम उनको कवर करेंगे फिर जो हमारा सेकेंड लेवल होगा इंटरमीडिएट लेवल होगा वहां पर बात आएगी किन की इंटरव्यू स्किल्स की जीडी की ग्रुप uh, डिस्कशन जो है आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं राइट right? ये सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो थोड़ा सा हाई लेवल पे जा करके जहां आपको समझ चाहिए होती है जीडी में आपको कोर कंटेंट uh, को क्रिएट करना होता है लाइक आई डिस्कस दर आर मेथड्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन इन अ इनसराइज सिचुएशन सो वी विल डिस्कस ऑल दोज स्किलट्स एट इन द सेकेंड स्टेज तो जो हमारा लेवल टू होगा इंटरमीडिएट लेवल होगा वहां वो सीखेंगे और जो तीसरा स्टेज होगा वहां पे जो कल आपने जारगंस देखे थे बड़े भारी भारी ओकल इंटोनेशन ओकल एनर्जी फोनेशन रेजोनेंस सो दीज आर द टेक्निकल थिंग्स एज फॉर एज स्पीकिंग इज कंसर्न हाउ ओकल कॉर्ड वर्क हाउ ब्रीदिंग वर्क राइट वॉट आर द डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दैट हेल्प आउट टू बिकम अ गुड स्पीकर सो दिस इज द थर्ड लेवल ये फाइनल स्टेज होगा तो so ये बैच का पूरा पूरा स्ट्रक्चर है राइट right? सो so, आज हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से टॉपिक्स आपके आंखों के सामने हैं पहला है हाउ टू स्टार्ट अ अन्वर्सेशन इन इंग्लिश ट्रेन में जा रहे हो बस में ट्रेवल कर रहे हो कहीं पे बैठे हो दो लोग हैं जबान खोलने की हिम्मत नहीं हो रही अगर कोई पर्सनैलिटी वाला इंसान आ जाता है ना तो फिर बड़ी दिक्कत होती है वहां पर यार बात करें ना करें ये तो देखने से ऐसा लग रहा है कि मतलब खतरनाक आदमी है चलिए अभी आप बिल्कुल यहां पर ध्यान से सुनेंगे मैं कॉमेंट्स देख पा रहा हूं सबसे ज्यादा फॉलोअर होंगे आपके अभी आप रील्स बनाओ सर हिमांशु कह रहे हैं चलिए धन्यवाद बहुत बहुत आप जैसे आप लोग इनपुट मैं आगे करूंगा आ, अभी यहां पे ध्यान से बात को सुनते हैं क्योंकि मैं कमेंट पे ध्यान दूंगा तो फिर डिविएशन हो जाएगी आप भी ध्यान से सुनिए बिल्कुल सारे आपके काम की बात है सो हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ध्यान देंगे दूसरा है हाउ टू कीप एन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन गोइंग अब जब आप रटे हुए तरीके से स्पोकन पढ़ते हो ना तो मान लो यू लर्न देर आर थ्री टू फोर फ्रेजेस की हां ये बात करनी होती है बट अब जब कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई तो उस कन्वर्सेशन को किस तरीके से आगे लेके जाना है दैट बिकम्स अ चैलेंज राइट सो देर आर सर्टेन पॉइंट दैट हाउ टू कीप एन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन गोइंग लाइक यू स्टार्टेड टॉकिंग टू समन राइट एंड आफ्टर अ मोमेंट यू गॉट स्टॉप बिकॉज यू डू नॉट हैव है या आइडिया आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से नए बात को लेके चले आप में से किसी ने लिखा था कि आ, सर शब्द ही नहीं मिलते हैं तो क्या कौन कौन से शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं किस तरीके से कॉन्वर्सेशन को आगे रखना है वो हम सीखेंगे दूसरा टॉपिक अगला है पहली बार मिल रहे हैं तो हाउ टू ग्रीट दैट पर्सन हाउ टू इंट्रोड्यूस यूर हाउ टू फील एप्सुलटली कंफर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर सिन बिकॉज वेदर यू आर गोइंग टू फेस इंटरव्यू आर जी जिनसे आप पहले कभी नहीं मिले जो पैनल में है वो भी बिल्कुल नए लोग हैं एंड जी के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं दो पीपल आर ऑल्सो न्यू राइट तो यू शुड बी कंफर्टेबल उन तरह के सिचुएशंस में जहां पे आपके साथ वो लोग हैं जिनके साथ आप जनरली नहीं रहते जहां हम परेशान हो जाते हैं बेचैन हो जाते हैं अगला है गिविंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश It is not uh, typically as far as interviews concerned, but if you are supposed to give your personal details to someone, then what are the different kind of phrases or structure you can use? उसकी बात करेंगे अगला है polite English phrases, फिर है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन शॉपिंग के लिए राइट आप मान लो शॉपिंग के लिए गए हो तो आप किस तरीके से बात करोगे राइट कई बार जो सेल्स मैन है उसकी अंग्रेजी हमसे ज्यादा अच्छी होती है आए आना शर्माती पूछें कैसे उससे अब भाई उसको तो सिखा दिया गया कि ये दस बातें हैं तुम्हें तो बोलनी है अब वो थोड़ा स्टाइल से बोलता है तो आप डर ही जाते हो कि मैं इससे बात करूं कि ना करूं कैसे पूछूं कहां पे क्या है सो so, शॉपिंग में वॉट काइंड ऑफ फ्रेजेस यू कैन यूज इन शॉपिंग नेक्स्ट टॉपिक इज इंग्लिश कॉन्वर्सेशन इन रेस्टोर अच्छे रेस्टोर में गए किस तरीके से ऑर्डर देना है क्या करना है अगला है बुकिंग अ होटल रूम इन इंग्लिश और ये सारी बात बहुत सारी चीजों के लिए हो जाएगी आपने हॉस्पिटल में कॉल किया या होटल बुक किया ऑनलाइन आप कॉल कर रहे हैं राइट right? तो so, किस तरीके से बात करनी है कैसे चीजों को पूछना है एंड यूजफुल इंग्लिश गोइंग टू व्यक्ति से डायरेक्शन पूछते हैं तो कैसे पूछना है या आप किसी को डायरेक्शन बता रहे हो देन वॉट काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रेजेस यू कैन यूज राइट सो आइए तो ये हमारा कोर्स कंटेंट है बेसिक लेवल का लेवल वन का लेवल टू भी मैंने बता दिया लेवल थ्री भी आपको बता दिया जो फर्दर मिलेगा आओ शुरू करते हैं भाई पहला टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश इट्स इसेंशियल टू प्रैक्टिस योर स्पीकिंग टू इंप्रूव योर फ्लुएंसी बट हाउ डू यू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग विद नेटिव स्पीकर आर फ्लुएंट एंड इफेक्टिव स्पीकर कल मैंने आपसे बात करी थी कि सबसे पहली शुरुआत है कि खुद से बात करो Like if if you you are reading something, if you have watched a a program on uh, on television screen on a particular channel, so start trying to speak about the summary of that particular program and record your voice so that you could analyze सो दैट यूज की कहा गड़बड़ कर रहे हैं लेकिन अब उस स्टेज के बाद क्योंकि हम कन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं दूसरे से बात करनी है तो हमें क्या ध्यान रखना है और तौर से इफ समर नेटिव स्पीकर मतलब क्या अंग्रेजी वो बचपन से बोल रहा है आपकी मुलाकात ऐसे किसी व्यक्ति से हो जाए या

जैसे ही मॉडरेटर ने टॉपिक दिया उसने बोलना शुरू किया अब बाकी साथ के साथ एकदम चुप बैठे हुए बिकॉज वो इतना धुआंधार बोल रहा है ही हैज यू नो ओपिनियन ओपिनियन इज सब्सटेंशिएटेड बाय डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स द काइंड ऑफ एग्जांपल्स ही इज गिविंग और शी इज गिविंग आर एब्सोल्युटली रेलेवेंट टू द पॉइंट राइट फिर आपको हिम्मत नहीं होती है छेड़ने की और आपको ही पता है कि यार आठ मिनट का मौका है दस मिनट का मौका है जीडी के लिए ये तीन मिनट ऑलरेडी बोल चुका है धुआंधार है मैं इसको काट करके एंटर कर नहीं सकता तो क्या क्या कर सकते हैं ये सारी चीजें आगे यहां लिखी हैं। देर आर टू मेन प्रॉब्लम फेस वेन दे वॉन्ट टू टेक पार्ट इन कॉन्वर्सेशन फर्स्ट वन इज वॉट नेटिव इंग्लिश स्पीकर आर फ्लूंट स्पीकर वी डिड डिस्कस दिस पॉइंट इन स्टडीज क्लासेस आर नो समाइम्स यू वॉच इंग्लिश न्यूज चैनल एंड एंकरिपेंट इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम स्पीक्स फ्लुएंटली राइट right, so समय आपको वो बात समझ में नहीं आती है तो ऐसे मौके में आपको दिक्कत आती है ये पहली दिक्कत है विच मीन्स इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देम बिकॉज द स्पीड ऑफ स्पीकिंग इज फास्ट पेस इज फास्ट एंड आपका दिमाग उतनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा ठीक है और दूसरी दिक्कत क्या है सेकेंडली इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट मोमेंट टू ज्वाइन द कॉन्वर्सेशन जो मैंने अभी बात कही ज ए कॉन्वर्स एंड इज वन पार्टिसिपेंट हू इज एक्सोल्यूटली फैंटास्टिक तो अब आपको समझ में नहीं आता कि आप उस कॉन्वर्सेशन में घुसो कैसे आपको अपनी इज्जत भी तो बचानी है आपको पता है कि अगर मैं इसको काउंटर करके घुस रहा हूं जैसे वो हिंदी न्यूज चैनल पे एक दूसरे पर चिल्लाते हैं तो, तो उसका कोई मतलब नहीं है राइट right? uh, और काउंटर आप कर भी नहीं सकते किसी को काउंटर करने के लिए उसके अगेंस्ट बात करने के लिए यू नीड टू हैव यू नो कॉन्टेंट

तो उसकी आवाज ही नहीं निकली बेचारे की अब आठ लोग बैठे हैं वो कॉर्नर पे बैठा है दो पूरा का पूरा ग्रुप चला गया ही फ्रॉम छत्तीसगढ़ कहीं इंटीरियर से आए थे वो लेकिन था अंदर जुनून मेहनत की दो साल मेहनत की उस बच्चा फिर सेलेक्ट भी हुआ लेकिन वो दो पूरा राउंड निकल गया और उसकी जवान नहीं निकली मैंने कहा भाई क्या दिक्कत है कह रहा सर मुझे समझ ही नहीं आ रही है लोग बाकी जो लोग आ रहे हैं वो इतने अच्छे तरीके से बोल रहे हैं जब तक मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या बोलूं या उनकी बात से थोड़ा थोड़ा उधार लेकर के अपनी बात बनाने की कोशिश कर रहा हूं तब तक तो सर टाइम पूरा हो जा रहा है तो ये दिक्कत उसी की नहीं थी मैं ये सारी दिक्कतें आपकी समझता हूं ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि भाई मैं कॉन्वर्सेशन में एंटर कैसे करूं इफ देर आर टू पीपल थ्री पीपल एंड दे आर एब्सिल्यूटली गुड इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ द स्पीकिंगल आस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज अब आपकी जरूरत नहीं पड़ती कि आप उसमें एंटर करें तो ये आपका दूसरा चैलेंज है तो सबसे पहले हमने चैलेंजेस की बात करी हमेशा की तरह

You are feeling absolutely lost. आप वहां खोए खोए बैठे हुए हैं बस चुपचाप देख रहे हैं आपको पता है कि मेरी नाव तो डूबी चुकी है मैं किसी लायक रहा नहीं इसमें इन तरह की सिचुएशन भी क्रिएट होती है बंदा फ्रीज हो जाता है यू आर एप्सुलूटली फ्रोजन यू डू नॉट नो वॉट टू टॉक हाउ टू टॉक वाई टू टॉक राइट तो ये आपको समझ ही नहीं आ रहा तो यह बहुत बड़ी दिक्कत होती है हाँ ना तो वही लिखा है कि जब तक आप अपना राइट right वर्ड या फ्रेज सोचते हो सीख क्या तो ये रटे हुए दिमागों के साथ यह बड़ी दिक्कत है आपने कुछ खतरनाक रट के आए हैं मान लो और आप जो रट के आए थे जो एग्जाम्पल आपको देना था वो पहले किसी और ने दे दिया अब आप दुखी होकर बैठो भाई एक चीज तो मैं लेके आया था तैयार करके आया था डेटा फैक्ट फिगर ये एग्जाम्पल दूंगा बात बनेगी ये तो पहले ही बोल दिया अब मैं क्या बोलू तो ये दिक्कत कई बार आती है और ये आपके लेवल पे तो नहीं लेकिन जैसे एफ जो है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स में आता है देश के वहां पे इस तरह की एक्टिविटी हुआ करती थी अभी आई डोंट नो कि क्या हो रहा है ऑनलाइन भी चीजें अब तो बहुत बदल गया कोविड के, के बाद लेकिन पांच छह साल पहले सात साल पहले इस तरह की चीजें होती थी कि सपोज इज जी डी अभी भी हो सकता होती हूं मुझे नहीं पता लेकिन मैंने जब मैं जब मैं तक करा रहा था तब तो तक इस तरह की चीजें होती थी हम बच्चों को प्रिपेयर कराते थे, थे इसके लिए अब सपोज देर इज ए जी डी आफ्टेन मिनट एंड देर इज वन कैंडिडेट हु नॉट एबल टू अटर वर्ड इन दैट पर्टिकुलर डिस्कशन सो वॉट दूज टू डू वो आपको उस पर्टिकुलर डिस्कशन की समरी भी लिखवाते थे कि राइट डाउन समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन जो कि दस मिनट पीछे हुआ है राइट right? क्योंकि एकेडमिक राइटिंग टेस्ट अलग अलग तरह से वो आता है वैट भी बोलते हैं उसको राइटिंग एप्टीट्यूड टेस्ट तो अब उसमें क्या होता था कि कई बार जो बच्चे मान लो उस आठ मिनट दस मिनट के डिस्कशन में बोल नहीं पाए उनको लगता था कि अब मुझे समरी लिखने के लिए कहा गया देन आई विल राइट दोज पॉइंट वॉट आई कुड नॉट स्पीक ड्यूरिंग द डिस्कशन अब मैं बोलने में तो बोल नहीं पाया तो कम से कम यहां लिख दूं मॉडरेटर पढ़ के खुश हो जाएगा शायद मुझे एडमिशन मिल जाए और इस गलती के बाद एडमिशन और नहीं मिलता था बिकॉज आपको जो डायरेक्शन दी जा रही है आपको वो बहुत ध्यान से सुनना है यू आर डायरेक्टेड टू राइट द समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्कशन यू आर नॉट आस्ट टू राइट द समरी ऑफ योर ओन था वॉट यू हैड इन योर माइंड बट यू कुड नॉट अटर इन दैट पर्टिकुलर डिस्कशन

एस एस बी में आप देखो ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन का आपकी मेंटल स्टेमिना का आपकी साइकोलॉजी का टेस्ट होता है यू विल बी गिवन अ पर्टिकुलर इमेज फोटो सेंटेंस व्हाट्स एवर यू आर सपोज टू राइट अ स्टोरी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम राइट सो आपकी जो प्रत्युत्पन्न मती है दिमाग कितना तेज है थीमेटिक एप्रिहेंशन टेस्ट होते हैं वहां पर तो ये सारी चीजें जो है किसी भी ऑफिसर लेवल के लिए सम वन हु इज इन अ लीडरशिप रोल सम वन इज इन अ मैनेजीरियल प्रोफाइल उसके दिमाग के लिए सारी चीजें टेस्ट होती हैं तो ये सब कुछ आप यहां पे सीख रहे हैं तो चाहिए चैलेंज समझ में आ गया आइए अब आगे बढ़ते हैं अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा यही चैलेंज होता है या नहीं होता है एप्सल्यूटली कुंदन आप कोई भी इंटरव्यू के लिए करोगे सभी के लिए सूटेबल है नो यही प्रॉब्लम होती है ना तुम्हारे दिल के सारे अरमान मुझे पता अब आओ हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन इंग्लिश देर आर थ्री थिंग्स यू कैन डू दिक्कतों का पता लग गया अब क्या करना है उसको समझते हैं गेट पीपल टू वेट फॉर यू यूज फ्रेजेस दैट गेट पीपल्स अटेंशन विच मेक देम वेट फॉर यू फॉर एग्जाम्पल वेल आई थिंक एंड देन पॉज अ पॉइंट वाई फ्रेंड इन हाई वोकल एनर्जी एंड देन पॉज दीज शॉर्ट फ्रेजेस ऑल्सो गिव यू टाइम टू थिंक अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू फिनिश योर सेंटेंस सो गेट पीपल टू वेट फॉर यू

राइट बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छा है चेहरे पे भी कोई तनाव नहीं है यू नो आई मूवमेंट फेशियल एक्सप्रेशन एवरीथिंग इज एप्सिल गुड अब आप उसमें क्या कर सकते हैं मैंने आपको कहा कि काउंटर करके आप घुस नहीं सकते आपको पता है कि मैं अगर उसके अगेंस्ट जाकर के मुद्दा खड़ा करने की कोशिश करूंगा तो ये तो मेरी बकिया उधेड़ देने वाला है राइट right? क्योंकि इससे तो पता लग रहा है भैया खतरनाक तैयारी करके आया ये अब आपने क्या करना है <laughs> जैसे मैंने यहां पर लिखा है वॉट अंड वॉट माई फ्रेंड यू हैव मेड

तो वो थोड़ा थैंक यूक यू के मोड में आएगा या उसके चेहरे पे मौका थोड़ा चेंज होगा एक्सप्रेशन और वो जो सेकंड्स का मामला है यू नो यू विल गेट हार्डली टू टू थ्री सेकंड सेकंड्स टू एंटर टू दैट पर्टिकुलर डिस्कशन सो यू हैव टू रेज योर वॉइस लाइक वॉट अ पॉइंट माई फ्रेंड एंड देन आवाज को थोड़ा नीचे करो एंड वॉट पॉइंट यू हैव यू आर सपोज टू मेक दैट पॉइंट इफेक्टिवली इन दैट शॉर्ट स्पैन अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट द टाइम एंड समाइम्स दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन पीपल है अभी तो हम बेसिक लेवल पे इतने सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो अगला लेवल आएगा जब हम इंटरव्यू और जीडी की बात करेंगे तो जीडी को लेकर के बड़े सारे मिथ्स हैं कंफ्यूजन है कि सम वन इज स्पीकिंग फॉर यू नो थ्री मिनट्स दैट पर्सन इज डूंग एब्सलिटली फेंटास्टिक एंड प्रॉब्लम इज गोइंग टू भी सिलेक्टेड नो इट्स नॉट इट्स नॉट ट्रू इट्स नॉट ट्रू ऑल टाइम even you are speaking for just 45 seconds or one minute and whatever you spoke that is absolutely relevant to the point as per the context आप select हो सकते हैं और जो शायद तीन मिनट चार मिनट हल्ला गुल्ला जिसने किया दूसरों को बोलने नहीं दिया वो शायद ना सेलेक्ट हो क्योंकि वहां पे आपकी सारी तरह की जो लाइफ स्किल्स हैं एक लीडर की एक मैनेजर की वो टेस्ट की जाती हैं कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करने वाले हैं और यहां पे भी देखो ये वेल वेल आई थिंक ये बोलना ऐसे नहीं वेल आई थिंक नो कल भी हमने बात करी थी कि डिस्कशन चल रहा है वेल आई थिंक अब ये चेंज आना चाहिए थोड़ा पॉज लीजिए और उतने देर में सोच भी लीजिए कि आपको क्या बोलना है तो जब आप इस तरह का कोई फ्रेज इस्तेमाल करते हैं तो लोग थोड़ा सा आपको मौका देंगे आपकी तरफ ध्यान आकर्षित होगा और वो आपको सुनेंगे ये पहला तरीका है कॉन्वर्सेशन में एंटर करने का दूसरा क्या है इंटरप्ट पोलाइटली तमीज के साथ इंटरप्ट करना इंटरजेक्ट करना है ठीक है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ एन यू कैन वेट फॉर अ नेचुरल पॉज इन द कॉन्वर्सेशन टू जंप इन विथ वॉट यू वॉन्ट टू से बट इफ देर इज नॉट अ स्पेस इन द कॉन्वर्सेशन यू कैन से समथिंग लाइक यस यू आर राइट एंड

So, या तो नेचुरल पॉज के लिए वेट करिए कन्वर्सेशन में एंड टू जंप इन वॉट यू वॉन्ट टू से बट इथर इज नॉट अ स्पेस अगर मौका नहीं मिल रहा है कन्वर्सेशन में तब आपको इस तरह का फ्रेज बोलना पड़ता है येस यू आर राइट माई फ्रेंड एंड आई जस्ट वॉन्ट टू एड दिस दिस पॉइंट राइट सो विद योर परमिशन कई बार ये परमिशन सामने वाला दे नहीं रहा है विद योर परमिशन आई वॉन्ट टू इंटरजेक्ट राइट आई वॉन्ट टू योर पॉइंट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आई जस्ट वॉन्ट टू एड अट दिस सो यह सीधा नहीं कि योर पॉइंट इज इन करेक्ट यू आर एब्सोल्यूटली टॉक आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वॉट इज द ट्रूथ नहीं तो कोई मौका नहीं देगा ऐसे डिस्कशन में कॉन्वर्सेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती इफ यू हैव समिंग रेलिवेंट राइट एंड दैट इज इन सिंक विद दैट जो वो आदमी बोल रहा है तो आपको यह भी डर है कि शायद कहीं ये भी ना बोल जाए तो आप बीच में ऐसे इंटरजेक्ट कर सकते हैं यस यस यू हैव एन एब्सोल्युटली करेक्ट पॉइंट राइट एंड आई वांट टू ऐड दिस इट्स गुड आइडिया क्या है कन्वर्सेशन बिकॉज नेटिव इंग्लिश कॉन्वर्सेशन मूव फास्ट यू समाइम नीड टू फाइंड अ वे टू गो बैक टू प्रीवियस टॉपिक सो दैट यू कैन मेक योर कॉन्ट्रीब्यूशन

क्योंकि नेटिव स्पीकर से बात करते हैं समन इज गुड इन इंग्लिश इज अ ग्रुप एंड द पीपल आर इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ और आप उतने बेहतर नहीं है आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करके लाए थे और वो बातें बाकी लोगों ने बोल दी और डिस्कशन आगे निकल चुका है लेकिन अब आपको बोलना ही बोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर उसमें एंटर करना पड़ेगा दिस पर्टिकुलरली इफ यू ओनली रिमेंबर द राइट वर्ड आर एक्सप्रेशन आफ्टर द कॉन्वर्सेशन मूव्स ऑन कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ चुका है तब आपके दिमाग की बत्ती जली है आप तब अचानक जगे अच्छा हाँ हाँ मैं भी तो ये याद करके आया था आज ही तो पढ़ा था यार ये तो बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल था जिसके एग्जाम्पल की तारीफ हुई है यार यार खतरनाक बात है मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा आप दोबारा पीछे जाना चाहते हैं भाई एक मोती चुन के लाए थे आप तैयारी थी आपकी है ये मेरा हीरा है ये बोलूंगा तो मजा आ जाएगा लोग इंप्रेस हो जाएंगे और वो मौका हाथ से निकल गया तो आप उसको दोबारा पाना चाहोगे तो थोड़ा अजीब लगता है इसमें कोई ऑफेंस लेने की बात नहीं है नॉर्मल uh, सेटअप है बातचीत हो रही कोई पॉइंट मिस हो गया आप दोबारा वहां पर जाकर के इस तरीके से बात कर सकते हैं सो so, ये तीनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है हाउ डू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम वो क्या है हाउ टू कीप एन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन गोइंग ये भी बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंज है खासतौर पे जब यू नो you know, कन्या का कन्या और बालक का मिलन कराया जाता है शादी के पहले है, लड़का लड़की एक दूसरे को देख रहे हैं वो सिचुएशन इमेजिन करो वो सिचुएशन इमेजिन करो दोनों मतलब घर अरेंज मैरिज का पूरा सेटअप है दोनों घर वालों ने रिश्तेदारों ने मिलाया है अब दोनों सा, साथ बैठाए गए हैं लोग कह रहे हैं अरे दोनों बच्चे बात कर लें थोड़ा हम लोग क्या करेंगे यहां पे अब दोनों बच्चे बैठे हैं बड़ी समस्या ही है ये तो हैं हाउ पहले तो हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन वहां से शुरुआत हो अब किसी ने थोड़ा सवाल पूछा दूसरे ने जवाब दे दिया आपने क्या किया है जवाब दे दिया उसने अब वो चुप आए है ना अब दूसरा क्या बोले तो ये एक बड़ी समस्या है कि अगर कुछ रटे हुए सवाल हैं आपके कि मुझे ये पूछना है सामने वाले जवाब दे दिया अब आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या पूछें एंड दिस पर्टिकुलर साइकोलॉजी जो है वो आपके इंटरव्यूज में भी बहुत इस्तेमाल होती है समटाइम्स स्टूडेंट्स है कंफ्यूजन दैट यू नो इंटरव्यू इज लाइक दैट की देर आर सर्टन क्वेश्चन और वही क्वेश्चन वो पूछते रहेंगे इट्स नॉट लाइक दैट इट्स नॉट लाइक दैट बंटी एस एस सी का बैच पूछ रहे मेरे भाई अभी चुप हो जाओ मैंने कहा कॉमेंट अभी ना करो इंपॉर्टेंट बात हो रही है ठीक है आएगा तो पता ही लग जाएगा uh, क्योंकि मैं फिर मैं जब एग्जाम्पल आपको रेलिवेंट दे रहा हूं तो वो डिविएट हो जाएगा तो ध्यान से बात को सुनिए स्पैम ना करिए कमेंट जी तो हम बात यहां पे क्या कर रहे थे कि को किस तरीके से फिर कंटिन्यू रखना यस yes. कि आप जो क्वेश्चनेर तैयार करके जाते हो तो वहां बातचीत कभी नहीं हो सकती यू हैव टू बी इन द मोमेंट बिकॉज इन एक्चुअल इंटरव्यूज दिस थिंग आप में से हो सकता जिन है जिन लोगों ने इंटरव्यूज फेस करे हैं उन्होंने ये महसूस भी किया हो वॉट एवर यू स्पीक इन योर आंसर इन योर रिस्पॉन्स नेक्स्ट क्वेश्चन शुड आइडियली कम आउट ऑफ दैट ओनली वट वी कॉल फॉलो अप क्वेश्चन एंड दैट इज वाई इट इज एडवाइज टू द कैंडिडेट दैट वेन एवर यू आंसर एनी क्वेश्चन इन एनी इंटरव्यू सेटअप हमेशा जवाब में वही बोलो जिसको तुम संभाल पाओ कभी भी इंप्रेशन जमाने के लिए कुछ मत बोलो मैंने ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं जहां पांच मिनट के अंदर आंखें भी लाल हो गई है खासतौर से वो उन मासूम कैंडिडेट्स के जो उनको लगता है कि जब हम ऐसे बोले जो बच्चे होते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स निकले हैं उनको लग रहा है कि आई एम बॉन्ड हम सभी को लग रहा होता है अपने बीस बाईस साल के इसमें आई एम द बॉन्ड कई बार बॉन्ड होते भी हैं मैं उससे इनकार नहीं कर रहा बहुत अच्छे कैंडिडेट भी मिलते हैं जिन्होंने तैयारी बेहतर की है बट देर आर सम कैंडिडेट्स समिडेट्स वेरी सुपरफिशियल इन देयर अप्रोच एंड दे फील दैट यस मैं तो बोलूंगा झूठ उनको क्या पता लगने वाला है अरे भाई तुम्हारे जैसे बहुत उनके आंखों के सामने से निकले हैं तुम्हारे से रोज देखते हैं वो तो आप तो कमरे में एंटर करते हो जवान अपनी खोलते हो थर्टी सेकेंड बोलते हो जिस तरीके से आके चेयर पे बैठते हो जैसे आपकी यू नो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपकी जन्म कुंडली लिख सकते हैं जो सामने बैठे हैं। तो हमें थोड़ा आराम से सहज रहना होता है और ऑनेस्ट रहना होता है तो ये ये इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्वर्सेशन को किस तरीके से गोइंग ऑन रखना है जो भी अच्छा इंटरव्यूअर होगा वो आपके जवाब से ही अगला सवाल पैदा करेगा सो हमेशा अपने जवाब में कुछ ऐसी बातें आप बोलें जिससे जो सवाल बने उससे आपके पर्सनालिटी का आपके कैरेक्टर का आपके व्यक्तित्व का आपके कैंडिडेचर की एक खास बात उन तक पहुंचे बिकॉज आपको पता है कि इंटरव्यू में आप अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर सकते आई एम हार्ड बहुत सारे करते भी हैं आई एम हार्ड वर्किंग आई एम पंक्चुअल आई एम ऑनेस्ट भाई ये सब ऐसे शब्द हैं कि आप बैल मुझे मार वो पकड़ के धो देंगे एक एक शब्द के ऊपर तो यू आर सपोज टू गिव सम एक्साम्पल्स फ्रॉम योर लाइफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस

सामने वाला क्या बोल रहा है समझ आ रहा है सामने वाला क्या बोल रहा है आपको समझ आ रहा है लेकिन जब आपकी बारी आती है बोलने की तो आप बिल्कुल स्टेट में चले जाते हैं फ्रीज हो जाते हैं जबान नहीं निकलती जबान अटक जाती है फिर तो समझ में नहीं आ रहा है कि कॉन्वर्सेशन को और जितने लोग इस बैच में हो आप जो भी देख रहे हैं आप सब अंग्रेजी समझते हैं इट्स नॉट लाइक दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू आर एब्सल्यूटली कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश इज स्पीकिंग इन इंग्लिश राइट बट वन इट कम्स टू स्पीकिंग तभी दिक्कत है व वर्ड्स आर फ्रेजेज यू नीड डोन्ट ऑफन कम क्विकली एनफू माइंड राइट जिन शब्दों की दरकार है वहां पे जिनकी जरूरत है वो समय पे जबान से फूटते ही नहीं है और फिर हमें वो वाली बात करनी पड़ती भैया शब्दों पे मत जाओ भावनाओं को समझो क्योंकि भावनाओं को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो वोकेबलरी चाहिए जो शब्द चाहिए उसकी गरीबी है हमारे पास तो इसीलिए इसीलिए पढ़ना लिखना सुनना बहुत जरूरी है कि आपके पास शब्दों का विस्तार हो कॉन्टेक्स कॉन्टेशन इसकी समझ हो सो द वर्ड्स आर दर्ड्स यू नीड डोंट ऑफन कम क्विकली एनफ टू माइंड दिमाग पे वो आते ही नहीं है कभी द मोर ऑपरचुनिटीज यू कैन गेट टू यूज एंड स्पीक इंग्लिश द इजियर इट इज टू फाइंड द राइट वर्ड्स वेन यू नीड दैम इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस क्या लिखा है मोर ऑपर्चुनिटीज यू कैन गेट टू यूज एंड स्पीक इंग्लिश दर इट इज टू फाइंड द राइट वर्ड वेन यू नीड देख एक्सरसाइज घर पर करनी पड़ेगी चुपचाप मैंने वही कहा था कि दूसरों से कॉन्वर्सेशन करने से पहले खुद के साथ कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी आपको जहां मौका मिल रहा है अंग्रेजी बोलने का बोलिए उसको सुनिए सुनने के साथ आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी दिमाग में जैसे मैंने क्या कहा था कल कि भाई जहां बच्चा पैदा होता है वहां की भाषा कैसे बोलने लग जाता है बचपन से ही टोनैलिटी पकड़ लेता है शब्दों को पकड़ लेता है बिना इवन स्कूल गए आम बोलचाल की भाषा तो बहुत अच्छे से पकड़ रहा है कैसे पकड़ रहा है क्योंकि वो उसको ऑब्जर्व करता है इमिटेट करता है वही काम तो इंग्लिश के साथ भी करना है ऑब्जर्व करना है इमिटेट करना है लिसन टू दो इंग्लिश न्यूज चैनल्स स्टार्ट इमिटेटिंग दो पीपल वो आर एंकर जो एंकर वो स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलते हैं तो आप देखिए ना डीडी न्यूज देखिए इंग्लिश न्यूज जो वहां पे आती है डीडी इंडिया के प्रोग्राम्स देखिए लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी बिजनेस चैनल्स लाइक इकोनॉमिक टाइम्स नाउ ब्लूमबर्ग यू टीवी सी एन बीसीन एनडी टीवी प्रॉफिट यू नो बाहर के जो चैनल्स हैं बीबीसी के प्रोग्राम्स देख सकते हैं आप सीन एन आई देख सकते हैं तो ये सब जहां पर भी अंग्रेजी में कुछ बातचीत हो रही है उसको सुनो इट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू वन फील्ड बिकॉज और सपोज मान लो आपको न्यूज में अभी उस तरह का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है या आपको उतना कुछ नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है या हमारे यहां क्या चैलेंजेस हैं देश के अंदर क्या प्रॉब्लम है इंटरनेशनली किन किन तरह के चैलेंजेस हैं अभी नहीं पता आपको मान लो घूमने में मजा आता है बहुत सारे ट्रेवल और फूड के चैनल हैं आजकल टेलीविजन पे यूट्यूब पे एंड द डिस्कस थिंग्स इन इंग्लिश इफ यू लव बॉलीवुड मसाला देअ आर चैनल गॉसिप चैनल जो बात उनके बारे में कर रहे हैं

बिल्कुल यंग एज सोलह पंद्रह सोलह सत्रह साल के हीरो हीरोइन थे उसमें और वो फिल्म हंड्रेड करोड़ करती है तो अखबारों में उनके बारे में पूरा पूरा आर्टिकल आया भी एक रुका हुआ फैसला दिखाने की कोशिश करता हूं बहुत अच्छी मूवी है और बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग को बताती है वो जहां पे थोड़ी देर फिल्म दिखा करके फिर आपसे रिफ्लेक्शन लिखने के लिए कहा जाता है एंड दैट सिंपली रिफ्लेक्ट दैट हाउ यू सी थिंग्स सो देर आर के स्टडीज ऑन दीज स्टफ हमारे यहां तो नाट्य शास्त्र कहते हैं पूरा ये एक शास्त्र है ये तो कहने का मतलब कि इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि आप एक ही तरह का कॉन्टेंट पढ़ रहे हो शर्त सिर्फ एक है दैट कॉन्टेंट शुड बी इन इंग्लिश दैट्स ऑल टोमोबल सेक्टर वॉच दो इंडिया जो रिव्यू करते हैं वो कारो की वो इंग्लिश में करते हैं देखो आप देर आर मैगजीन्स ऑल द एरिया यू कम फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड सपोज यू आर एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर देर आर मैगजीन्सू नो वॉइस एंड डेटा डिजिट चिप यू आर प्रिपेरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देर आर गैमेट ऑफ मैगजींस यू हैव जो इंग्लिश में है तो रीड दम आउट वही मैंने कहा और रीड बोल करके करना है क्योंकि अपनी जबान खुलेगी ये क्लोज लूज सिस्टम है जो आपसे जबान से निकलेगा आपके कानों में जाएगा और फिर तब आपका ब्रेन एनालाइज करेगा कि आप कैसा बोलते हैं दूसरे के बोलने से आपकी स्पीकिंग बेहतर नहीं होगी मैं यहां इंग्लिश अगर बोल रहा हूं आज तो अभी हिंदी मिक्स करके बोल रहा हूं आने वाले दिनों में पूरी तरीके से फिर इंग्लिश पे लेके जाऊंगा आपको तो ये आपको करना है कि अगर आप नहीं बोलोगे आपके कान उसको श्रवण नहीं कर रहे दिमाग एनालाइज नहीं कर रहा तो आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे इट्स अ क्लोज लूप सिस्टम डू अंडरस्टैंड दिस थिंग ट टू यूज योर इंग्लिस सी हाउ टू प्रैक्टिस योर इंग्लिस फॉर लॉट ऑफ आइडिया ऑपरच्य है आप वो ट्रेवल के बारे में बात कर सकते हैं खानों के बारे में बात कर सकते हैं डिफरेंट क्विजींस के बारे में बात कर सकते हैं आ, मैं इधर पीछे बड़ा अच्छा देख रहा था वो खैर वो हिंदी में आता है एपिक करके चैनल है तो मतलब वो भारत जैसे डिस्कवरी चैनल दुनिया भर की चीजों को बताते हैं भारत की बहुत सारी चीजों को अपने देश की बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं कि भाई राजस्थानी क्विजीन कैसे डेवलप हुई मुगली कैसे डेवलप हुई हमारे साउथ की जो अलग अलग क्वजीन है मैसूर की क्वजीन कैसे डेवलप हुई सो यू गेट टू लर्न अलॉट राइट सो वही बात है कि ज्ञान जहां से मिल रहा है उसको लो इंफॉर्मेशन लो उसको देखो इंफॉर्मेशन कितना रिटेन कर पाते हो फिर उसको किस तरीके से आप प्रस्तुत कर पाते हो तब जाकर के स्पीकिंग आपकी बेहतर होगी तब किसी भी ग्रुप के अंदर यू फील एब्सोल्युटली कंफर्टेबल दैट यस आई आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट एटलीस्ट आई डू नो दैट मच दैट आई कुड पार्टिसिपेट इन अ डिस्कशन इन अ डिसेंट डिस्कशन इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई मैं कहां पर आ गया मैं विजातीय हूं ये लोग बड़े समझदार लोग हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कहां फंस गया ऐसे हालात हमारे नहीं होने चाहिए खासतौर से आज के समय में वेन वी आर फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन अब आ जाइए sounding fluent and confident in a few words here are some useful ways to keep the conversation going the secret is that you don't actually need many words to do this आपने कई बार यह भी देखा होगा uh, I think एक बच्चा बड़ा पॉपुलर हुआ था पता नहीं कहां का था वो मुझे exactly नहीं याद है जो uh, मतलब अलग-अलग तरह की भाषाएं बोलने में सक्षम है और जब टूरिस्ट उसकी जगह पे आते हैं तो वो चाइनीज भी बोल लेता है फ्रेंच भी बोल लेता है राइट गेटिंग माय पॉइंट और नॉट वो क्या है क्या वो स्कूल गया है नहीं उसकी तो बेसिक एजुकेशन भी नहीं हुई है तो लैंग्वेज इज नॉट समथिंग अगर आपको उतना ही काम चलाना है इसीलिए अभी बेसिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं कोर्स बहुत ही तरीके से डिजाइन किया आपके लिए बिल्कुल आपके चैलेंजेस के हिसाब से तो अगर बेसिक लेवल पे आपको चीजें सीखनी तो वो कोई बहुत मशक्कत का काम नहीं है साफ साफ लिख रहा है कि द सीक्रेट इज दैट यू डोंट एक्चुअली नीड मेनी वर्ड्स टू डू दिस शो इंटरेस्ट इन द अदर स्पीकर राइट right, ये पहला पॉइंट है कि शो इंटरेस्ट इन द अदर स्पीकर इट्स अगेन अ चैलेंज अब जो ये बेचैन आत्माएं होती हैं परेशान लोग होते हैं जिनकी स्पीकिंग बेहतर नहीं है या कंटेंट की गरीबी है सो जब वो इस तरह के माहौल में फंस जाते हैं ना कि यू नो वहां पे डिस्कशन चल रही है और डिस्कशन के बीच में अब वो खोए खोए वो सुन भी नहीं रहे वो बाकियों को नहीं सुन रहे तभी तो वो टेस्टिंग जिसकी मैंने बात की कि बेटा जो दस मिनट का डिस्कशन है उसकी समरी लिखो ना कि अपने उन ख्याली पुलावों की जो तुम खा ही ना सके उसकी बात नहीं करनी थी लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है वो एप्सॉन्डेड रहते हैं खो जाते हैं सो so, और उस समय आप दूसरे स्पीकर क्या बोल रहे हैं उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते क्योंकि आप अपने अंदर बेचैन परेशान है कि भैया मेरा नंबर आने वाला है एक मिनट के बाद मैं क्या बोलूंगा सांसें ऊपर हो रही हैं ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है फिजिटिंग शुरू हो रही है कानों की में गर्माहट आ रही है गालों में लालिमा आ रही है तो यह सबसे पहला काम है यू डोंट नीड टू से मच ऑफन जस्ट वन वर्ड इज नीडेड टू शो यू आर इंटरेस्टेड एंड लिसनिंग ट्राई रियली विद राइजिंग इंटोनेशन रियली रियली इज इट ट्रू ओ आई है आप यहां ऐसा हुआ अब मान लो सामने वाला खूब अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोल रहा है अपनी कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा है और आप फेशियल एक्सप्रेशन से दिखा रहे हैं कि खोए हाँ। okay, okay. okay, really? oh. तो खोए से हो आ, वहां से आइसोलेटेड हो ऐसा नहीं फील होगा लेकिन ये रियली really, अब रट के जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा अच्छा रियली really? रियली really? क्या लिखा हुआ विद राइजिंग इंटोनेशन राइट आर श्योर ये सारे एक्सप्रेशन ऑफ यूज कर राइट 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 ओह श्योर 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 आई एम एब्सोल्यूटली कंफर्टेबल इन तो पूरा सेंटेंस अगर ना भी बोलो ना वो वो मान लो वो कह रहा right? uh, uh, yes, sure. यार ये होटल वाले इतने सारे फिरंगों को फिरंगियों को बाहर वालों को रखते उतरा तो वो भी सीख जाते हैं हम अभी उसी लेवल पर बात कर रहे हैं कि हमारे में से बहुत सारे लोग उतने में भी कंफर्टेबल नहीं होते अगर वो होटल का मैनेजर बात करने आया है तो उसकी स्मार्टनेस के सामने हम गायब हो जाते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि ऐसी कोई दिक्कत ना आए यू कुड इवन शो यू आर लिसनिंग विद नॉन वर्ड सच एज जो मैंने अभी कहा आई हेट वॉचिंग रबिश ऑन द टीवी राइट राइट सो यही मैंने कहा कि जब आप बात करते हैं ना किसी मान लो कोई फोन पर लंबे समय से बात कर रहा है आप कैसे पता लगता है कि आप उसको सुन रहे हैं हाँ हम्म ओके तो हम्म ये हम वाला जो साउंड है या आप मैसेज में भी तो करते हो व्हाट्सएप में क्या लिखते हो यही तो लिखते हो हम तो ये हम क्या बता रहे कि यस मैंने तुम्हारी बात सुन ली एक्नोलेज कर लिया तो ये छोटे छोटे एक्सप्रेशन जो हैं ये डिस्कशंस के दर, दौरान कन्वर्सेशन के दौरान निकलते रहने चाहिए अगर आपको बड़ा नहीं दिख रहा साउंडिंग फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इन फ्यू वर्ड्स हम इसी की बात कर रहे हैं कि आप कैसे हो सकते हैं तो ये पहला तरीका है कि अगर आप एक कॉन्वर्सेशन में हैं चाहे वो वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन है और देयर इज अ ग्रुप राइट एटलीस्ट विद योर बॉडी लैंग्वेज अभी जब हम आएंगे सेकेंड स्टेज के ऊपर तो ये सब बॉडी लैंग्वेज एटिकेट्स फेशियल एक्सप्रेशन इन सबकी बात करेंगे वी हैव सेवेंटी मसल्स इन आर फेस व्हिच कैन क्रिएट सेवन थाउजेंड काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इतने एक्सप्रेसिव हैं हम लोग तो हमारी एक एक अदाएं बहुत कुछ बयां करती हैं और आपने कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और आपको पता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन कंपैरिजन टू वर्बल कम्युनिकेशन जब आप नहीं बोल रहे हैं, तो आप बहुत बोल रहे होते तो आपको उन नॉन वर्बल क्यूड से दिखाना है कि यस यू यू आर आर देयर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर डिस्कशन राइट अगला पॉइंट क्या है नेक्स्ट यूज शॉर्ट फ्रेज टू शो योर फीलिंग्स फॉर एग्जाम्पल ओ हाउ हाउ ऑफुल उ ऑफफुल ऐसा इतना बुरा ओह नो यू आर जोकिंग मैन इट कॉन्ट बी करेक्ट यू आर यू मस्ट बी जोकिंग यू आर जोकिंग एक्सीडेंटर्ड ओह नो अब देखो मान लो सामने वाले ने इतनी अंग्रेजी बोली अब आपकी अंग्रेजी में हाँ टाइट है तंग है आपको दिक्कत है अच्छा हैड लगेगा कि हैब लगेगा आप इसी दिक्कत में है अभी तो आपको ज्यादा बात नहीं करनी है आप बस ओह नो जाहिर कर दो जो इंटरजेक्शन है हमारे बोधक अधिबोधकव्य है जो आठवां पार्ट ऑफ स्पीच है लीजिए वो, वो किसके लिए है उसी के लिए तो है बाकी तो इसका यूज वायस और नरेशन में ही होता है बाकी एग्जाम में पेपर में एज सच इंटरक्शन पूछा नहीं जाता ये ज्यादातर कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं अल्लाहस ओ आ जो भी है सो ओ नो यस बट थैंकफुली वॉज ऑन ही वॉज एंट हर्ट तो एक्सीडेंट तो हुआ माय नेवर हैड अ कार एक्सीडेंट इस थर्सडे ओह नो यस बट थैंकफुली ही वाजंट हर्ड हम थैंक गॉड भी बोल सकते हो थैंक गॉड तो ये छोटे-छोटे आप एक्सप्रेशंस के जरिए भी शॉर्ट फ्रेजेस के जरिए भी उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में रह सकते हैं उसका वो इतना चैलेंजिंग काम नहीं है अगला पॉइंट क्या है आस्क अ शॉर्ट क्वेश्चन आस्क अ शॉर्ट क्वेश्चन क्योंकि आप मान लो सामने वाला बहुत अच्छा स्पीकर है आपको ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है आप एक सवाल पूछोगे वो दो मिनट बोलेगा तीन मिनट बोलेगा तो तुम्हारा दस मिनट कट जाएगा हूं हाँ और सम लॉजिकल क्वेश्चन आउट ऑफ द डिस्कशन ओनली वो जो कुछ भी बोल रहा है उसी से कुछ सवाल पूछ लो यू कैन यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब टू मेक अ शॉर्ट क्वेश्चन विच विल एनकरेज द अदर स्पीकर टू कीप टॉकिंग ये भी तो है सामने वाला कई बारी जो है आ, वो जब आपका देख रहा होता है कि यू आर लूजिंग इंटरेस्ट आप कोई बॉडी लैंग्वेज का साइन नहीं दिखा रहे आ, कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे आपको अगर याद आ रहा हो मेरे ख्याल से दंगल मूवी का ही सीन है वो ना जब आमिर खान जो है वो पहुंचते हैं आमिर खान का जो कैरेक्टर है जब आ, अपनी बेटी को लेकर के कोर्ट साहब के पास पहुंचते हैं तो बता रहे होते हैं ना कि हाँ हाँ मैंने ही ट्रेन किया अभी तक ये मेरे ही ट्रेनिंग के अंदर थी हम्म वो लगातार नजरअंदाज कर रहा था सामने वाले को साहब पता लग रहा है तो ये पता तो हमें सब लगता है तो ऐसी कम्युनिकेशन में भी है कि अगर आप सामने वाले को फीडबैक नहीं दे रहे कम्युनिकेशन इसी तरीके से चलता है ना भाई पूरा का पूरा जो ट्रांसमिशन है वो तीसरे स्टेज में पढ़ेंगे हम लेवल थ्री के अंदर वो सब टेक्निकल ये जब आप एक क्लोज लूप सिस्टम बोल रहे हैं तो ये फीडबैक के ऊपर चलता है कम्युनिकेशन की सामने वाला किस तरह से फीडबैक दे रहा है तो फिर आपको आगे कौन सी बात कहनी है तो यू कैन आस्क एन ऑक्सिलरी वर्ब टू मेक अ शॉर्ट क्वेश्चन वी ट्राइड आउट द न्यू चाइनीज रेस्टोरेंट लास्ट नाइट हो डिड यू ये वैसे ही है जैसे आप क्वेश्चन uh, टैग्स uh, पढ़ते हैं राइट right? तो वो तो अगर सेंटेंसेस इन अफॉर्मेटिव देन वी यूज क्वेश्चन टैग इज इन नेगेटिव नेगेटिव में है तो हम पॉजिटिव में लेके आ जाते हैं उसको सो वी ट्राइड आउट द न्यू चाइनीज रेस्टोरेंट लास्ट नाइट हो डिड यू आई एम गोइंग टू बारबोस नेक्स्ट वीक ऑन हॉलीडे आर यू लकी यू इट्स नोइंग अगेन इज इट राइट तो ये सामने वाले ने ये बोला आपने ये बोला सामने वाले ने यह बोला फिर आपने ये बोला सामने वाले ने यह बोला आपने ये बोला तो बस सवाल पूछ करके आप फोन पे बात कर रहे हैं यार फिर यहां बारिश हो रही इज इट फिर से होने लग गई ओह हमारे यहां तो हो ही नहीं रही तो कहने का मतलब कि बहुत छोटे छोटे फ्रेज से सवाल पूछ करके भी आप अब उसने मान लो कहा कि कल हम एक चाइनीज रेस्टोरेंट गए थे आप पूछ सकते हो कि क्या खाया तुमने अच्छा मैं तो ये चार और चाइनीज रेस्टोरेंट को जानता हूं उस एरिया में राइट उनके का आप, uh, like आप ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं like Chinese, Chinese या क्या अच्छा लगता है कॉन्टिनें था चाइनीज ओरिएंटल uh, किस तरह का खाना तुम्हें तो पसंद है तो ये आप क्विजीन के ऊपर बात कर सकते हो लेकिन अगर नाम जानोगे पढ़ोगे तब तो कर पाओगे जो हमारे यहां पे आप देखो अगर कुछ लोग कमेंट लिखने से बाज नहीं आ रहे मैं सोच रहा हूं अभी कमेंट मत लिखो भाई मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं ड्यूरेशन बता जी रॉबिन कल ही बताया था मेरे भाई करीब तीन महीने चलेगा ठीक है सो शॉर्ट क्वेश्चन के जरिए भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगला क्या है रिपीट वॉट द अदर पर्सन सेड डू दिस स्पेशली इफ द अदर पर्सन हैज सेड समथिंग सरप्राइजिंग ही वॉन्ट टू लैक्स ऑन द लॉटरी टू लैक्स ंग टू बैंगलोर नेक्स्ट वीक बैंगलोर अचानक से प्रोग्राम कैसे बन गया तुम्हारा तो कहने का मतलब कि जो वो बोल रहा है उसी में से जो मेन बात वो कहना चाह रहा है आप जस्ट उसको पिक करो और फिर से बोलो so सो अच्छा, हाँ, वो इंटरेस्टेड है बातचीत में तो ये सब कन्वर्सेशन को किस तरीके से हमें आगे चलाना है हम उसकी बात कर रहे हैं क्लास अभी जब खत्म हो जाएगी ना तो फिर पूछ लेना

आइस ब्रेकिंग एक्सरसाइज अब सपोज यू आर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन जहां पर जो भी लोग हैं आपसे उनकी पहली बार मुलाकात हो रही है सो so, कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल कैसे होंगे सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वॉट वी कॉल आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज बिकॉज देर इज एप्सल्यूट साइलेंस बिटवीन टू पीपल बिकॉज दे हैवेंट मेट विद ईच अदर बिफोर राइट सो उनके बीच में एक अनकंफर्टेबल uh, सिचुएशन है तो ऐसे मौकों में आप क्या कह सकते हैं कैसे आगे बात बढ़ा सकते हैं इफ यू डोंट अंडरस्टैंड मान लो सामने वाले की बात आपको समझ में ही नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहा है आप क्या क्या कह सकते हैं सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड सॉरी कुड यू रिपीट दैट प्लीज सॉरी आई डिट गेट दैट बिकॉज ये सारे एक्सप्रेशन भी कुछ लोगों के दिमाग में नहीं आते तो इसीलिए इसको बेसिक लेवल कहा गया कि सबसे बेसिक लेवल की बात है कि ये सब तो कम से कम हम कह सकें इस तरीके से हम कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं अगला क्या है इफ यू डोंट नो द वर्ड अगर पूरी बात नहीं समझ आई तो आप ऐसे कह सकते हो अगर कोई शब्द नहीं समझ आया आई कॉन्ट फाइंड द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर आई एम नॉट श्योर दैट दिस इज द राइट वर्ड अब देखो दिस इज समथिंग विच इज वेरी हेल्पफुल जैसे आपने ये कहा अभी थोड़ी देर पहले कि समटाइम्स वी फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड वो दिमाग में मतलब फ्लैश ही नहीं करता है वो शब्द तो आप ऐसे मौकों के लिए भी कुछ कह सकते हो ना आप ऐसे मौकों पर भी क्या कह सकते हैं या जैसे इंटरव्यूज में इस तरह की सिचुएशन आती है दैट अ क्वेश्चन एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन सिंपली से सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ द ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और मेरे को नहीं पता है इसका आंसर उस चीज की तारीफ होगी बट आप उसकी जगह पे उसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हो कुछ ड्रामा कर रहे हो तो फिर वहां पे दिक्कत आ जाएगी ठीक है ना सो so, जैसे मैंने मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक बार एक सवाल पूछा है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से दैट

टू रो एल बाई ए वेर रो इज द रेजिस्टिविटी एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड आर इज द रेजिस्टेंस राइट एंड रो इक्वल्स टू एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ वेर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज द नंबर इज द चार्ज एंड टाउ इज द कोलिजन टाइम तो कहने का मतलब कि अब मैं मैं अगर इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं मैकेनिकल को भी इंटरव्यू कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कर रहा हूं कंप्यूटर साइंस को भी कर रहा हूं इकोनॉमिक्स uh, वाले को भी कर रहा हूं फाइन तो ये सारे बैकग्राउंड के बारे में पॉलिटी इंटरनेशनल अफेयर्स सबके बारे में समझ रखनी पड़ती है जब आप कैट के लेवल पे इंटरव्यू ले रहे हैं या यूपीएससी के लेवल पे बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं तो तो कहने का क्या मतलब कि उस जवाब से साफ पता लग रहा है कि तुम बेवकूफ़ बना रहे हो और ये चीजें गड़बड़ होती हैं अगर सामने वाले पैनल में किसी ने सवाल पूछा आप क्योंकि इतने लोग बैठे होते हैं सब अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ बैठे हैं तो अगर आप उनको गोली देने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सुसाइडल होता है तो बेहतर है कि अगर कुछ नहीं आता तो पूछ लो वो उसके लिए अप्रिशिएट करेंगे बट अगर आप उनको घुमाने की कोशिश करेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा वही यहां पे लिखा है इफ यू डोंट नो द वर्ड आप के दिमाग में शब्द पॉप अप नहीं कर रहा आप, आप ये बोल सकते हो कि यार आई कांट फाइंड फाइंड द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर आई एम मिसिंग आउट द राइट वर्ड यू नो कई बार मैं भी क्लास में पूछ लेता हूं यार देर इज अ वर्ड मैंने आपको बताया था मेरे दिमाग में हिट नहीं कर रहा बता दो क्या है तो अब जैसे अभी आ, कल हम कर रहे थे वो कैब में एपिथेट वर्ड कर रहे थे हम एपिथेट ये एपी से चार वर्ड बड़े पूछे जाते हैं एपिथेट एपिटाफ एपिग्राफ, एपिग्राफ एपिग्राम राइट एपिटमी तो कर रहे थे हम फिर मेरे दिमाग में अचानक आया कि देर इज अ वर्ड एस से शुरू होता है कोई बताएगा मुझे राइट तो कोई बताने से पहले मेरे दिमाग में खुद आ गया एंड दैट इज अ फ्रेंच वर्ड एस ओ बी आर ई क्यू यू ई टी बिकॉज इन फ्रेंच दे राइट समथिंग एल्स एंड दे स्पीक समथिंग एल्स तो सब्रिक सब्रिका दैट्स निक नेम तो कहने का क्या मतलब है कई बार दिमागी है इतनी सारी इंफॉर्मेशन है सही इंफॉर्मेशन नहीं हिट कर रही यू आर ए ह्यूमन कोई जान नहीं ले लेगा उसके लिए बट आप उसको तमीज से एक्सेप्ट कर लीजिए आई डू नॉट नो अभी दिमाग में नहीं आ रहा सर मैंने पढ़ा था सर बट अभी मुझे याद नहीं है कई बार आपने इस तरह का देखा होगा यूपीएससी के भी इंटरव्यूज में कि सॉरी सर आ, मैंने पढ़ा था बट मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं नहीं याद आ रहा नहीं याद आ रहा व्हाट आई वांट टू से इज अब जैसे मान लो आपको वो शब्द नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहे हैं सर आई एम फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ वर्ड आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड बट वॉट आई रियली वॉन्ट टू से इज दिस तो आप उस बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करके सामने वाले तक पहुंचा दे रहे हैं ये कुछ और तरीके थे फ यू कांट फाइंड द वर्ड इमीडिएटली अगर वो शब्द आपको तुरंत नहीं मिल रहे यू डोंट वॉन्ट टू बी कम्पलीटली साइलेंट बट यू नीड टाइम टू फाइंड दर्ड्स वेल ओके सो यू कैन इवन मेक सम बोलते हैं इनको हम स्पीकिंग में बोलते हैं फिलर्स एंड यू मस्ट है यूजेज ऑफ दीज पर्टिकुलर फिलर्स लाइक समटाइम्स पीपल से यू नो यू नो यू नो यू नो आपने देखा होगा इंटरव्यूज में बहुत इस्तेमाल होता है टेलीविजन इंटरव्यूज में आप देख सकते हैं यू नो कि बातचीत करते समय तो वो बातचीत करते समय यूनो you यूनो know, you know, का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या है दैट इज अ फिलर कॉन्वर्सेशन में चल जाता है कॉन्वर्सेशन में चल जाता है बट uh, क्योंकि आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो दिमाग में चीजें आती हैं आप बोलते हैं वहां पे इन फिलर्स का भी इस्तेमाल बिल्कुल जस्टिफाइड है बट बात वही है कि अगर यू आर इन अ फॉर्मल सेटअप यू आर इन अ जीडी यू आर इन इंटरव्यू यू आर गिविंग अ पब्लिक स्पीच राइट इंड ऑफ सिचुएशन यू कॉन्ट यूज दीज फिलर्स यू हैव टू बी एब्सल्यूटली फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ योर कॉन्टेंट फॉर द डिलीवरी ऑफ यूर कॉन्टेंट इन सबकी बड़ी तैयारी करके जानी पड़ेगी मुझे कौन सी बात कब कहनी है कितना बोलना है कैसे करना है तो वहां आप फिलर्स का यूज नहीं कर सकते लेकिन हम यहां पर क्योंकि कॉन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन का मतलब कि भाई इन तरह के फिलर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हूं ओके सो वेल सो इन तरह का आप यूज कर सकते हो यू कांट फाइंड द वर्ड इमीडिएटली तो ऐसे फिलर्स यूज कर सकते हैं अगला क्या है विद द अदर पर्सन यू वॉन्ट टू शो दैट यू अग्री बट यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से या राइट है आप इस तरह से अग्री करके यूज कर सकते हो ये उनके लिए जिनकी अंग्रेजी की गरीबी है इसीलिए मैंने कहा बेसिक लेवल अदरवाइज आप बड़े सेंटेंसेज भी कर सकते हैं आई एम एप्सिल्यूटली इन अग्रीमेंट आई एम एप्सिल्यूटली इन अग्रीमेंट विद यू या आप मान लो अगर असहमत हो तो आप क्या बोल सकते हो आई डोंट योर ओपिनियन आई डोंट बाई योर ओपिनियन बट वही बात कि जब आपकी अंग्रेजी बेहतर होगी तो आप और बहुत अच्छे अच्छे तरह के प्रेजेज सेंटेंसेज यूज कर सकते हैं बट क्योंकि हम यहां बात उनकी कर रहे हैं जिनकी अंग्रेजी में हाथ तंग है तो ये उनके लिए सलाहते हैं क्योंकि हमारे इस बैच में बहुत सारे लोग बेसिक लेवल के लिए भी आए हुए हैं तो ये बेसिक लेवल ही है कि आप इतनी सी बात करो फिर लेकिन आप इसी बैच के दौरान कब एडवांस लेवल हो जाओगे आपको भी पता नहीं लगेगा अगला है चेंजिंग द सब्जेक्ट एवरी वन इन द कॉन्वर्सेशन गिवन एन ओपिनियन एंड नाउ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स वेल एज आई सो सो बैक टू वी 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 वर तो ये सब आप यूज करके अपनी बात को और आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि यू आर डिविएटिंग फ्रॉम द कोर टॉपिक जो अभी तक डिस्कस हो रहा था एक बात के बहुत सारे ब्रांचेस भी तो होते हैं ना एक बात के बहुत सारे ब्रांचेस हैं तो अब मान लो वहां पे बातचीत हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की और रीन्यूबल एनर्जी की एक जनरल सेंस में बात हो रही है और आपने पूरी बात को एक तरह से सोलर एनर्जी की तरफ घुमा दिया तो so, uh, आपने एक तरफ से डायरेक्ट कर दिया हो सकता है सोलर एनर्जी पे आपकी रिसर्च बहुत अच्छी हो राइट right? बाकी के जो और एवेन्यूज हैं उन पे उतनी आपकी पकड़ बेहतर ना हो तो so, आपने उधर डिविएट कर दिया कि डिस्कशन उस तरफ आगे बढ़े सो दैट यू कुड कुपेट अवेट राइट सो एनी वे वेल एज आई वॉज से प्रीवियस पॉइंट सो वी वर से अच्छा ये वर होता है वेअर नहीं होता बड़े सारे लोग वाज वेयर बचपन से बड़े होते हैं डब्ल्यू ई आर ई इज वर इट्स नॉट वेयर रीफ्रेस करना समटाइम्स वी से थिंग्स दैट अदर पीपल डोंट अंडरस्टैंड आर वी गिव द रॉन्ग इंप्रेशन हियर आर सम एक्सप्रेशन यू कैन यूज टू से समथिंग अगेन आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम आप बहुत एनकाउंटर करते हैं इससे हैं आपकी बात घर वाले नहीं समझ रहे आपकी बात दोस्त नहीं समझ रहा मित्र नहीं समझ रहा आप माथा पीट रहे यार तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो तुम्हें तब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये जब सिचुएशन आ जाए दैट यू यू आर कन्वेइंग समथिंग टू समवन बट द अदर पार्टी इज नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट टू कन्वे सो देयर इज डेफिनेटली द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट मीटिंग पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन यही है कि आप में uh, आप जो है जो बात कहना चाहते हैं वो कह पाए तो रिफ्रेश करने का मतलब वही है कि आप उस बात को दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हो अब मान लो वही हियर आर सम एक्सप्रेशन यू कैन यूज टू से समथिंग अगेन ये आप यूज कर सकते हैं आई टू से मैंने ये कहना चाहा था तुमने बात को कुछ और समझ लिया आई मेन टू से दिस लेट मी दैट यू गेट आई जस्ट सेड मैं इस बात को दूसरे तरीके से तुम्हें समझाता हूं लेट मी रिफ्रेश दैट लेट मी पुट दिस एन वे ये सेल्स वाले लोग बहुत करते हैं

पूरी बात की खिचड़ी हो चुकी है अब आप सामने वाले कह रहे हो यार फिर से शुरू करते हैं फिर से शुरू करते हैं बहुत कंफ्यूजन है तो वही है कि इफ वी गो बैक बिगिनिंग द बेसिक आइडिया इज द बॉटम लाइन इज यू नो जिससे हम हैं द बॉटम लाइन इज द बेसिक आइडिया इज द क्रक्स ऑफ द मैटर इज द जिस्ट ऑफ द होल डिस्कशन इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज एन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज राइट क्योंकि दोनों के बीच में कुछ टसल है कि यार इसका देखने का एक तरीका यह भी है तो यह भी तो एक तरीका हो सकता है तो आप इस तरह के फ्रेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है तो ये टॉपिक थ्री हम कल शुरू करेंगे आज आ, हमने इन दो टॉपिक्स को कवर किया कौन कौन से यस हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन एंड हाउ टू कीप एन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन गोइंग इन दोनों टॉपिक्स को कवर किया क्योंकि ये सबसे पहला चैलेंज है कि जबान खुले तो पहले किसी से बातचीत शुरू हो और अगर बातचीत शुरू हुई है तो चलती कैसे रहे अब उनमें क्या क्या चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को कैसे टैकल करना है किन किन तरह के आप फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें कैसे उन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं भले ही आप बहुत बेहतर ना हो आपके पास अभी आप नया नया आपने इंग्लिश बोलना शुरू किया है तब भी किस तरह से शॉर्ट फ्रेजेस के जरिए आप ये सारी चीजें कंटिन्यू कर सकते हैं ये सारी बातें मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश और आई होप आपको ये बातें समझ में आई आपने इत्तफाक रखा होगा कि ये स, हमारे ये सारे चैलेंजेस हैं ठीक है अब आपके जो सवाल हैं वो आप पूछ सकते हो पांच दो-तीन मिनट हैं मेरे पास हाउ टू प्रिपेयर माय नोट्स ऑन दिस टॉपिक देखो नोट्स आप खुद बना सकते हैं यहां पे आपके पास स्क्रीन पे चीजें आई रही हैं दूसरा मैं आपको ये भी एक इंफॉर्मेशन uh, देना चाहूंगा कि बाय द एंड ऑफ दिस बैच मैं स्पोकन पे एक बुक प्रिपेयर कर रहा हूं और बुक में जाहिर तौर पे जो यहां पे नोट्स हैं वो तो होंगे ही उनके साथ और भी बातें उसमें होंगी तो वो एक तरह से आपके लिए पूरा पैकेज होगा तो आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा नोट्स की ये तो खैर नोट्स आपको मिल ही जाएंगे बट मैं इसको बुक के फॉर्म में क्योंकि आप नोट्स निकालोगे फिर उसका प्रिंट आउट कराओगे तो आपके लिए बहुत कॉस्टली पड़ता है कई बार हमारे बैच में करियर वेल में देश के बड़े अलग अलग कोनों से दूर दराज के इलाकों से भी स्टूडेंट्स हैं उनको कई बार दिक्कत भी होती है तो मैं एक मैं एक आपके लिए पतली सी बुक ही लॉन्च कर दूंगा स्पोकन के ऊपर जहां पे ये सारा कंटेंट आपके पास इजीली अवेलेबल होगा और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से जहां पे एक बेसिक लेवल का बिगिनर भी वहां से शुरू कर सकता है वो पहले इन चीजों पे ऊपर फोकस करेगा ठीक है उसके बाद फिर आ, आप अगले स्टेज पे आते हैं जो हमारे थोड़े बेहतर लेवल के चैलेंजेस हैं जिंदगी में जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं इंटरव्यूज है जी है इन तरह के मौकों में किस तरीके से करना है बॉडी लैंग्वेज का क्या योगदान है टिकेट्स बॉडी लैंग्वेज फेशियल एक्सप्रेशन इन सब चीज़ों का क्या रोल है उनको हम समझेंगे और तीसरा जो हिस्सा होगा वो पूरा पूरा साइंस होगा स्पीकिंग का कि जो स्पीकिंग में हमारे जो जो ऑर्गन्स का इस्तेमाल होता है आ, राइट पूरा का वोकल कार्ड ये पूरा सेटअप डायाफ्रॉम ब्रीदिंग ऑल वो सब जो टेक्निकल जारगन्स आपको कल बताए थे मैंने वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस होंगे ठीक है और एक छोटी सी बात और इसके पीडीएफ डी एफ आपको मिली जाएंगे मैंने कहा बुक भी मिल जाएगी आने वाले दिनों में लेकिन एक बात हाथ जोड़ के फिर से निवेदन है पीडीएफ की ना तो कमी है ना तो बुक की कमी है स्पोकन की कमी है बोलने की तो पीडीएफ के चक्कर में बहुत परेशान मत रहो कि त... वही काम में बार बार उसी तरफ आपका इशारा कर रहा हूं कि आपकी एक ही वही गलती है जो आप हमेशा से करते आते हो स्पोकन में स्पोकन को छोड़ करके स्पीकिंग को छोड़ करके बाकी सब कुछ करते हो तो इसका नोट्स बना करके नहीं होगा जो बातें बताई गई हैं लॉजिकल बात है आपके जिंदगी की बात है आप उन चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियोस आपके पास हैं आप शॉर्ट नोट्स वहां से बना सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा बट पीडीएफ इकट्ठा करना इज नॉट द कि आप पीडीएफ इकट्ठा करके बैठ रहे हो बोल रहे नहीं हो तो जो बातें आपको बताई गई हैं वो आप करना शुरू करें होमवर्क के तौर पर मैंने आपको आज भी न्यूज चैनल्स के नाम बता दिए आपने नोट कर लिया होगा उन प्रोग्राम्स को देखिए उन प्रोग्राम्स को देखिए राइट न्यूज वाला प्रोग्राम हैवी लग रहा है तो मैंने जैसे कहा घूमने फिरने का खाने पीने का कोई प्रोग्राम जो इंग्लिश में चल रहा हो इंग्लिश में खुराक लेनी है और उस खुराक को फिर अपने दिमाग में कन्वर्ट करना है उसमें कहानी बनानी है और उस कहानी को फिर अपने मुंह से कहना है अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करना है और उसको सुनना है यह काम करना है आपको स्पोकन में तब जाकर के तीन महीने के बाद जब यह बैच खत्म होगा तो आप एक बेहतर स्पीकर होंगे किताबें तो बचपन से पढ़ रहे हैं टेंथ बचपन से पढ़ रहे हैं अभी भी यहां लिख दे रहे हैं कि सर सेंटेंस बनाने नहीं आता है तो स्कूल जाओ फिर स्कूल जाओ सेंटेंस बनाने के लिए बैच आते हैं ना हम सभी लोग पढ़ाते हैं टेंस तो जैसे आपने देखा यहां पे कि इन शब्दों के लिए क्या बहुत अंग्रेजी का विशेषज्ञ होना था क्या नहीं तो जो भाई हमारे परेशान है सेंटेंस बनाने नहीं आता है अब तुमको अगर ये नहीं पता कि ही के साथ क्या लगता है और दे के साथ क्या लगता है तो ये इसका मतलब कि स्कूल जाना पड़ेगा पांचवीं क्लास में चौथी पांचवी क्लास में दोबारा जाइए वो ये मान के यहां पर आप आए हैं कि भाई उतनी बेसिक अंग्रेजी आपको आती है नहीं आती है तो इतने सारे बैचेज हैं हमारे सब एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं आप कोई भी बैच ले लीजिए मैं हूँ गोपाल सर हैं जयदीप सर हैं सब पढ़ाते हैं यहाँ पे आप बैच लीजिए पढ़िए जा करके अरुण सर हैं स्कूल वाले सेगमेंट में जाइए स्कूल वाले सेगमेंट में वहाँ पढ़ के आइए तो थोड़ी जिम्मेदारी ले लो ये सब वाहियात बातें कि नहीं सेंटेंस नहीं बनाने आता है तो कि फिर क्या ही कर रहे हो यहाँ पे सेंटेंस सीखो पहले तो उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है सिंपल सी बात कि आपको किस तरीके से रिक्वेस्ट करना है रिक्वेस्ट में कौन सा मॉडल वर्ड यूज करते हो मॉडल्स के तहत समय भी पढ़ा तुमने कुड का इस्तेमाल कर लेते हो का इस्तेमाल कर लेते वही इस्तेमाल है तो ये सारा कंटेंट जैसे मैंने कहा ना ये सब बना पड़ा है यहाँ पे मैं पूरी मेहनत करके मैंने ये कंटेंट आपके लिए तैयार किया है ये सब है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये सब देख लोगे उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो परेशान है कि नहीं सेंटेंस कैसे बनाना है अब तुमको सवाल कैसे पूछना है ये सब देखो एकदम है कि मैं कैसे अपना परिचय देना है फर्स्ट नेम कब बताना है कब सर नेम बताना है फॉर्मल इनफॉर्मल तो सब कुछ बताया हुआ है तो जो भाई बंधु के ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है बेसिक ग्रामर पर ध्यान नहीं दिया है रिवाइज कर लीजिए हफ्ते भर का काम होता है वो और नहीं भी रिवाइज करेंगे तो इतनी अंग्रेजी सीख जाएंगे अंग्रेजी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ठीक है चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन थैंक यू वेरी मच हां जी मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा प्रखर कह रहे हैं बिल्कुल पूरी कोशिश ये रहती कि सिखा दूं बस जो कह रहा हूं उसको कर लो बस वो कह, वो मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट आपसे करबद्ध निवेदन है कि जो कह रहा हूं वो करो स्पोकन प्रैक्टिस का काम है हम क्यों नहीं कर पाए क्योंकि स्कूलों में भी बस रिटर्न की प्रैक्टिस हुई है बेटा इसका आंसर रट लो ये पांच नंबर वाला है ये तीन नंबर वाला है ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रट लो उगा लो पेपर पे ऐसे लेके हमने डिग्रियां इकट्ठी की हैं अपनी अब जब बोलने की क्योंकि बोलना पे फोकस कम रहा जिसपे फोकस नहीं करोगे क्योंकि ये स्किल है वो अपने आप छूट जाएगा तुम अभी भी अगर उसी किताब में फिर घुस रहे हो मुझे अगर चुपचाप दिखाना रहता तो मैं इतना बोलता क्यों भाई एक घंटे से बोल रहा हूं सारे टॉपिक करा देता अगर कोर्स पढ़ाना होता तो या आपको ही दे देता तो क्या जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूं नहीं वो लिखा है जो वो सिर्फ क्यूज है वो आपके लिए इशारे हैं उन इशारों पे हमें बात करनी है बात समझनी है कि यस सही बात है ऐसा चैलेंज है ऐसा सिचुएशन है मैं और क्या क्या यूज कर सकता हूं अगर मैं बिगिनर लेवल पे हूं तो मैं ये वाला यूज करूंगा इसीलिए बेसिक लेवल लिखा गया है अगर मेरी थोड़ी पढ़ाई बेहतर होगी मैं अखबार पढ़ूंगा मैगजीन्स पढ़ूंगा लोगों के इंटरव्यूज सुनूंगा उनको देखूंगा इंटरव्यूज के दौरान या डिस्कशन के दौरान कि वो किसी को जब सपोर्ट करना चाहते हैं तो अंग्रेजी का कौन सा फ्रेज यूज करते हैं अगर किसी को काउंटर करना चाहते हैं तब अंग्रेजी का कौन सा फ्रेज यूज करते हैं जो एंकर है जब वो डिस्कशन की शुरुआत करता है तो वो क्या बोलता है जब वो डिस्कशन का एंड करता है तो वो क्या बोलता है बाकी सभी गेस्ट को थैंक यू बोलने के लिए करो ना ऑब्जर्व करो ऑब्जर्व और इमिटेट करो तो आपको अपना काम करना पड़ेगा मैं यहां से सिर्फ गाइड कर सकता हूं अगर ये काम नहीं करेंगे तो स्पीकिंग पूरी जिंदगी नहीं आएगी पूरी जिंदगी शर्माते रहोगे बोल नहीं पाओगे तो मैं वो नहीं चाहता कि आपके लिए हो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है ये थ्योरेटिकल नहीं है ये प्रैक्टिकल इसमें जो थ्योरी है वो बस हमारे कचरों को साफ करने के लिए हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए ये मैंने आपको रियलाइज कराने के लिए दिया कि यस यही आपके चैलेंज है और ये सारे चैलेंजेस यहाँ पे आपके लिए आसान हो जाएंगे ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन थैंक यू वेरी मच लेट्स कैच अप टुमारो एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर विद रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन लेवल वन ऑफ दिस स्पोकन इंग्लिश बैच थैंक यू वेरी मच हेलो एवरीवन, वन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेकेंड से डू लेट मी नो आवाज बिल्कुल क्लियर है मेरी आप तक पहुँच रही है गुड इवनिंग खुशी कार्तिक ज्योति सोनू नंदन वेरी गुड इवनिंग एवरी वन प्रियंका प्रकाश प्रकाश स्वीटी सूरज is everything alright? chale, that's great. so let me start this session by asking a simple question. whatever we have discussed in the last session and uh, even before that in the intro session, i had given some piece of advice to you people, right, in terms of homework that uh, that should be done by you people in order to improve your speaking in english language. how many of you have done that? Kitne logo ne kiya कुछ ना कुछ होमवर्क किया है कल मैं आपके कॉमेंट्स कुछ देख पा रहा था सत्य प्रकाश ने कुछ कॉमेंट लिखा था कि सर मैंने एक्सरसाइज की थी थर्टी मिनट्स का एक सेशन सुना और शायद उसके सुनने के बाद आई कुड स्पीक ओनली फॉर फोर्टी सेकेंड्स सो बिकॉज यू नो दिस इज अ स्पोकन बैच विदाउट फीडबैक देर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग जस्ट ज्ञान सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट वॉट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू आर फेसिंग और क्या किया आपने और क्या रिजल्ट आया तब हम आगे की बात करेंगे क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं जो हमारी कन्वर्सेशन वाली इंग्लिश है कन्वर्सेशनल इंग्लिश है हम उसी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं यस टेल मी व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस हेलो हेलो जी एवरीवन चैलेंजेस क्या हैं आपके बोलने में कुछ कुछ कोशिश करी या नहीं करी आपने बोलने की आई डिड सर बट दैट वॉज नॉट वेरी इफेक्टिव ओके अंजलि माई टाइमिंग वॉज वन मिनट अमित इज सेंग

टिव लिसनिंग मैं बार बार कह रहा हूं और तब आपको ज्यादा मजा आएगा क्लास में अब अब अगर हम एक ऑफलाइन सेटअप में होते आप बैठे होते सामने तो बातचीत करने का एक अलग मजा होता लेकिन फिर भी मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं जैसे होमवर्क क्लास में चेक होता है ना तो यहां पे होमवर्क सिर्फ प्रैक्टिकल है एज फार एज स्पोकन इंग्लिश इज कंसर्न ऑल द होमवर्क इज इन प्रैक्टिकल फॉर्मेट ओनली यू नीड टू लिसन टू समिंग राइट एंड देन यू नीड टू प्रैक्टिस यू नीड टू ऑब्जर्व योर सेल्फ

Listen 15 minutes and could speak only one minute. Ajit is saying so. That is the experience for most of the people. But if you are not practicing this particular exercise, how would you realize that what is your potential? Because here we all are preparing for speaking in English whenever that kind of situation arises, where the, whether you are facing an interview, you are in a GD setup, you are in a formal conversation, you are in an informal conversation. हाउ टू स्पीक विदाउट स्पीकिंग आप उसको प्रैक्टिस कर नहीं पाएंगे मैं यहां पे पर ज्ञान दूंगा बट उस ज्ञान को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करोगे यू विल फेस कपल ऑफ चैलेंजेस यू विल्ड देन आई विल आंसर दैट हाउ टू इंप्रूव ऑन दोज थिंग सो प्लीज ईमानदारी से यह काम करना है ठीक है बिन, बिना थर्टी मिनट एक्टिव लिसनिंग के आपको सोना नहीं है ट्वेंटी फोर आवर्स में यह काम जरूर दे दीजिए अपने आपको राइट वॉच अ पर्टिकुलर टॉक शो एनी थिंग एनी थिंग यू कैन वॉच राइट बट इन इंग्लिश

इन थिंिंकिंग दीज थिंग्स आई वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू स्पीकिंग वेरी ईमानदार ऑनेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ बिश्नो दैट इज द प्रॉब्लम तो ये मत सोचो ना उस समय की जो मैं बोल रहा हूं मैंने क्या कहा था सबसे पहला स्टेप है कि सेल्फ कॉन्वर्सेशन सॉली टॉक टू योर सेल्फ वॉट एवर यू हैव लिसन आपको खुद सुनना भी खुद है कान में हेडफोन लगाओ मोबाइल में आपने हेडफोन अपना कनेक्ट किया एंड वॉच ए टॉक शो एनी बिजनेस चैनल एनी टेक टॉक और एनी थिंग लाइक दैट And train your mind that I am going to keep all these points in my mind. You can jot down certain points as well, so that after the completion of that talk, you are able to remember that yes, these are the five points which are discussed in a detailed manner in this particular talk show. And then give uh, this uh, task to yourself yes, now I am going to speak about this topic, what I have heard for the last 30 minutes. Right? और फिर अपने मोबाइल में आपको रिकॉर्ड करना वहां कोई देख थोड़ी रहा है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं गलतियां कर रहा हूं गलतियां करोगे फिर उसको सुनो अपनी स्पीकिंग को गलतियों का एहसास होगा कोई बात नहीं सभी इंप्रूव करते हैं इसी तरीके से आपको क्या लगता है जो भी आज एक फ्लुएंट स्पीकर है अच्छा स्पीकर है उसको वो एक दिन में बन गया होगा सब खुद की टेस्टिंग करते हैं मैं खुद से मैंने आपको पहले दिन बताया था कल की क्लास में कि भाई जो आप अपनी स्टोरीज बना सकते हैं जो वहां पे स्टोरीज बनाना बड़ा कारगर होता है पहली क्लास का मतलब परसों वाली क्लास में आप खुद एक कहानी बना रहे हो स्टोरी बना रहे हो मैंने कहा था छोटी छोटी चीजों के ऊपर बात करना शुरू कर दो जो जिंदगी में बहुत आपके साथ जुड़ा हुआ है कोई इमोशन है कोई एक्सपीरियंस है कोई फीलिंग है गिव योर एनी टाइटल रैंडम एंड टॉक अबाउट पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर टॉपिक राइट यू हैव थॉट आपके दिमाग में इमोशन है फीलिंग है उसको इंग्लिश में ढालना है मैं यहां पे पूरा कोर्स पढ़ा जाऊंगा आप अगर ये काम नहीं करोगे अपने बोलने वाला तो इन चीजों पे इंप्रूव नहीं कर पाओगे आप ठीक है so, सो आइए नाव हां समरी लिखना बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है और समरी अभी आ, कैट वाले में तो आता भी है कैट के कोर्स में मैं करियर वेल पे अभी समरी राइटिंग एक्सरसाइजेस करा भी रहा था समरी राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेन यू रीड एनी आर्टिकल इन न्यूज पेपर सपोज देर आर एट पैराग्राफ्स इन दैट पर्टिकुलर आर्टिकल

This is the theme of the second paragraph. This is the theme of the third paragraph. So, there are eight paragraphs in a uh, in an article in the article, at least there are eight major points, main points in that particular article. Because in general, how you talk, how you write, how you start something, you introduce something, you explain that, then you provide some sort of uh, you know uh, examples, facts, figures in order to substantiate.

जो बात तीसरे नंबर पर कहनी है आप पहले पे कह दोगे पहले वाली बात चौथे नंबर पे आ रही है कंक्लूजन कई बार लोग पहले ही बोल देते हैं बिकॉज दे दे हैव हैव क्रिएटेड थॉट लॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक यू नो सो ये जो है कि भाई इंट्रोडक्टरी आइडिया देन द मेन बॉडी ऑफ योर थॉट स्ट्रक्चर एंड देन द कंक्लूजन यू नीड टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स एंड ये ऑब्जर्वेशन से आपको आएगा कि यस ये टॉपिक था डिस्कशन का बात करी यहां पर लोगों ने ये मेन आइडिया थे आपके पास कोई भी विचार है यू हैव टू सब्सटैंडिएट दैट ओपिनियन बाई गिव प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ फैक्ट्स फिगर्स एग्जाम्पल्स डू यू हैव रेलिवेंट एग्जाम्पल्स आर नॉट बिकॉज ओपिनियन विदाउट बींग सब्सटैंडेड बाई डेटा फैक्ट फिगर उसका कोई मतलब नहीं है एंड इफ यू हैव जस्ट डेटा फैक्ट फिगर्स एंड यू आर नॉट एबल टू पुट फिगर्स इन परस्पेक्टिव इन एनी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट और आइडिया अगेन दैट इज ऑफ नो वैल्यू

It's normal introduction. Yes. Here is a list of essential phrases to say hello, introduce yourself, and introduce other people to each other. Just observe the way I am reading these lines. If I read this particular line, here is a list of essential phrases to say hello, introduce yourself, and introduce other people to each other. नहीं बात समझ में नहीं आई बिकॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पंक्चुएशन का क्या रोल है जहां कॉमा लगा है वहां आवाज भी रुकनी चाहिए थोड़ी सी राइट right? वहां आवाज रुकनी चाहिए सो हेयर इज अ लिस्ट हेयर इज अब ऐसा नहीं हेयर एज दोनों बराबर नहीं है ऑब्जर्व करो मुझे भी ऑब्जर्व करो जो मैं पढ़ रहा हूं हेयर इज अ लिस्ट ऑफ इसशियल फ्रेजेस टू से हलो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ And introduce other people to each other. Observe these things. Saying hello. Here, here is a typical conversation structure. A says, say hi, hello, and follow with a phrase like, how are you? Right? This is something what we ask. How are things? This is normal. And then the B, answer with a phrase like, fine, and ask a similar question. राइट right? और जब बी सवाल पूछेगा तो डेफिनेटली ए भी उसको रिप्लाई करेगा आई एम एब्सोल्युटली फाइन सो पूछने के लिए धन्यवाद तो ये क्या ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है यू बी सेज फाइन थैंक्स एंड यू अब ये भी ध्यान में देना ऐसा नहीं फाइन थैंक्स एंड यू नो इससे क्या पता लगेगा कि आप रट के आए हो टेम्पलेट रट लिया है अपने तो वो काम नहीं करना बोलने से पता लगना चाहिए हाई सवी हाउ आर यू और उसके बाद फाइन थैंक्स आवाज में भी कमी आनी चाहिए फाइन आई एम एब्सोल्युटली फाइन थैंक्स फॉर आस्किंग ये भी कहा जा सकता अभी हम क्योंकि बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं कम से कम शब्दों में कैसे बात करनी है एंड देन एंड यू अब यहां पे एंड यू से समझ में आ गया कि मैं तुम्हारा हालचाल पूछ रहा हूं या फाइन थैंक्स सो यहां पे या आई एम एब्सोल्युटली फाइन आई एम ऑल्सो फाइन राइट आई एम गुड थैंक्स तो क्योंकि सामने वाले ने भी आपसे पूछा है तो आपको थैंक्स बोलना है ये पोलाइट कॉन्वर्सेशन का बिल्कुल बेसिक एटिकेट है ये ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा फाइन फाइन थैंक्स ओके ओके थैंक्स ऑल मीन द सेम तो वही वाली बात कि इसमें कुछ रटना नहीं है जब आप इस तरह के कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे ना जो मैं आपको बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज देखें देखें ऑब्जर्व करें तो ये चीज बताने वाली नहीं है क्योंकि कोर्स पढ़ाना है कोर्स स्ट्रक्चर है तो मुझे बताना पड़ेगा आपको तो मैं बता रहा हूं आई एम वेरी वेल थैंक्स इज मोर फॉर्मल अब आप देखो वेन यू आर स्ट्रक्चरिंग आई एम वेरी वेल सो डेफिनेटली दिस इज मोर फॉर्मल सो यू नीड टू ऑब्जर्व these थिंग्स एज वेल दैट where यू आर यूजिंग these kinds ऑफ फ्रेजेस इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड there इज अ बॉस ऑफ yours एंड यू आर मीटिंग इन द मॉर्निंग To your boss, आप वहां पे कैसे बात करेंगे तो वो फॉर्मल सेटअप हो गया राइट बट इफ यू आर मीटिंग टू योर कलीग अब वहां पे किस तरीके से बात होगी वो बिल्कुल अलग है क्योंकि वो आपके साथ का है तो एंड ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं वाइल राइटिंग द ई मेल्स आर यू आर राइटिंग मैसेज एज वेल आई हैव सीन लॉड ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट जो मुझे मेल करते हैं या मैसेजेस करते हैं

कि भाई मुझे इसको इंटरव्यू के लिए बुलाना है या नहीं बुलाना है और अगर वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है तो आप वहीं पे इंप्रेशन छोड़ देते हैं हाई हाई इज वेरी इनफॉर्मल यू डूट नीड टू अंडरस्टैंड दिस हाई इज इनफॉर्मल हेलो इज मोर फॉर्मल इन कंपैरिजन टू हाई राइट सो हाई सर से बेहतर है हेलो सर अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो राइट right? हाई अपने फ्रेंड को कर लो सो इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी के साथ भी हाई बोल दे रहे हो अब जैसे हमारी कल्चर में तो ये बहुत है ना कि भाई ये और देखो यहां पे इंग्लिश और हिंदी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप इन इंग्लिश फॉर सेकेंड पर्सन वी हैव ओनली वन प्रोनाउन एंड दैट इज यू दैट इज ओनली यू यू डू नो चाहे सिंगुलर है प्लुरल है तुम हो तुम दोनों हो तुम सब हो सबके लिए यू है बट इन हिंदी वी हैव वॉट वी हैव टू यस यसर नो वी हैव तुम वी हैव आप एंड वी डू नो

to transfer the sensibility of one language in other language into other language is really a difficult job because har bhasha ki apni sensibility hai understanding hai in german language i think they are used to six to seven words for the second person jaise abhi humne baat kari na tu tum and aap to is tarike se wahan pe kuch six seven word hai Russian बहुत rich language है उस मामले में वो कई बार English को उतनी इज्जत नहीं देते Russian लोग आप अगर देखें तो तो उनको ये लगता है कि Uh, in English, if there are इंग्लिश words to depict a certain emotion, in Russian language we have लैंग्वेजी words. So we are much richer in comparison to English, right? So ये जब आपका भाषा के प्रति प्रेम जगेगा ना तो ये सारी चीजें आपको भी धीरे धीरे पता लगने लगेंगी मैं आपको बहुत सारे रिसोर्सेस बताऊंगा आने वाले दिनों में पढ़ने के लिए जानने के लिए सुनने के लिए पहले आप शुरू तो करें जो आपसे कह रहा हूं चले साहब तो यहां पर ज मोर फॉरमल नॉट बैड थैंक्स कॉन्ट कंप्लेन आर लेस पॉजिटिव लेस पॉजिटिव अब सपोज द काइंड ऑफ सिचुएशन वी ऑल आर गोइंग थ्रू दिस पेंडेमिक कोविड यू नो सो सभी के हालात खराब हैं जो जहां पे है पर्सनली प्रोफेशनली एवरी वन इज ट्राइंग टू सरवाइव थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम तो अब वहां पर क्या है तो आप क्या बोल रहे हो यार हाउ आर यू यू आर नॉट बैड थैंक्स फॉर आस्किंग सो अब नॉट बैड क्या है यहां पे क्या लिखा हुआ है लेस पॉजिटिव इट इज लेस पॉजिटिव आप हमेशा उसी मोड में तो नहीं हो सकते ना एवरीथिंग इज फाइन थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग आप वहां पे अभी ये थोड़ा लेस पॉजिटिव हो गया या कान कंप्लेन इन तरह के फ्रेजेस का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है हालचाल बताने के सो so, ये थोड़े से लेस पॉजिटिव हैं उतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं है जितने ऊपर वाले एक्सप्रेशन आई एम वेरी वेल थैंक्स इज मोर फॉर्मल सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स

कल्चर का बहुत इंपैक्ट आता है स्पीकिंग के ऊपर आप शब्दावलियां देख लें हमारे बहुत सारे हिंदी वाले शब्द जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप गुरु की बात कर लो मैनेजमेंट गुरु नाउ दिस फ्रेज इज वेरी नॉर्मल एंड इज यूज एंड इज बींग यूज इन लॉर्ड ऑफ बेस्ट सेलर्स दुनिया भर के ऑथर इसका इस्तेमाल करते हैं जबकि आपको पता है गुरु जो शब्द है वो संस्कृत से आया हिंदी में इस्तेमाल हुआ बट अब आप इंग्लिश में इस्तेमाल करते हो तो uh, ऐसे बहुत सारे हमारे शब्द हैं लाइक द वर्ड इज जुगाड़ एंड जुगाड़ इज अ टिपिकल नॉर्थ इंडियन वर्ड एंड बट द वेस्टर्न पीपल हैव दिस इंप्रेशन दैट इंडियंस आर वेरी गुड इन मेकिंग जुगाड़ एंड जुगाड़ इज परसिव एज इन व्हाट कि भारतीय लोगों का दिमाग बहुत अच्छा है बड़ी बड़ी समस्याओं का सस्ता और टिकाऊ समाधान ढूंढ लेने में सो वी आर प्रिटी ऑन्टरप्रनोरियल इन दैट वे वी डू नॉट कंप्लेन मच समथिंग न्यू कि भाई ये काम हम कैसे कर सकते हैं बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है कि आप मेट्रोज के बाहर डेली में आप देखें तो वो कई बार वो कचौरी वाले होते हैं वो एक ही साइकिल पे पीछे उसने अपनी सब्जी भी रखी हुई है वो भी गर्म हो रहा है आगे उसके पास कचौरी भी है उसी साइकिल में उसने कूड़ा पात्र भी लगा रखा है स्टोव भी सेट कर लिया है उसको अपनी जिंदगी से शिकायत नहीं है वॉट एवर रिसोर्सेज दैट पर्सन हैज इज ट्राइंग टू मेक मोस्ट ऑफ दैट राइट right. तो इस सेंस में हम जुगाड़ शब्द का इस्तेमाल देखते हैं तो कहने का मतलब कि अब क्योंकि दुनिया हमारी पॉपुलेशन इतनी है दुनिया भर में हम छाए हैं तो हमारे बहुत सारे शब्द जो हैं वो अंग्रेजी में अब इस्तेमाल होने लग गए हैं राइट right. उसी तरीके से अगर आप लास्ट सेंचुरी की बात करो सो डेफिनेटली द डेफिनेटलीटर पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी में अमेरिका का प्रभाव ज्यादा रहा तो अमेरिकन जो इंग्लिश है उसका बोलने में बहुत इस्तेमाल होता है और प्लस साथ ही साथ इफ यू लुक एट द स्पेलिंग पार्ट You must have observed the spelling of center, C E N T R E R T E R. You are confused most of the times while you are writing something. Uh, as far as the spelling of color is concerned, C O L O R or C O L O U R. So L O U R is British, O R is American. P R O G R A M, program, this is American spelling, but P R O G R A double -M, M E, program, this is British.

एंड डेफिनेटली अमेरिकन दे नीड टू डिज डिफरेंट आइडेंटिटी आउट ऑफ द ब्रिटिस तो उनको भाषा में थोड़ा बहुत तो चेंज uh, करना ही करना है तो हमारे लिए कई बार ये सारी चीजें क्या होती है एक चैलेंज के तौर पर इस्तेमाल होती है आइए नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इन फॉर्मल सिचुएशन यू कैन ऑल्सो से गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग फॉर द मॉर्निंग अप टू लंच गुड आफ्टरनून फॉर द आफ्टरनून अंटिल अर्ली इवनिंग दैट इज अराउंड सिक्स पी एम गुड इवनिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द इवनिंग गुड नाइट वेन यू लीव अ पर्सन एट द एंड ऑफ द इवनिंग गो टू बैड राइट सो यह चीज आपको समझ नहीं है कई बार ग्रीटिंग का हमें समझ में नहीं आता शत्रुप्रकाश आई टेक योर क्वेश्चंस इन द लास्ट फाइव मिनट्स राइट अभी मैं आप इधर ध्यान दें तो थोड़ा अच्छा रहेगा सभी लोगों से ये गुजारिश है देखो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून आप कब बोलें कब तक बोले कई बार मैं देखता हूं कि गुड नाइट स्टूडेंट्स अगर मान लो किसी से बात हो रही है और वो बहुत इस चीज को लेकर अलर्ट है अगर अंधेरा चाह गया है तो वो विश भी जब करते हैं तो गुड नाइट बोलते हैं मतलब पहली मीटिंग साफ साफ लिखा हुआ है व्हेन यू लीव अ पर्सन एट द एंड ऑफ द इवनिंग तब आप क्या बोलोगे गुड नाइट और व्हेन यू गो टू बेड तब आप गुड नाइट बोलते हैं सो इवन इफ आर मीटिंग समवन एट 9 पीएम राइट एट द टाइम ऑफ योर मीटिंग जब आप उस इंसान से पहली बार मिल रहे हो तब भी आप गुड इवनिंग गुड नाइट आप तब बोलोगे जब आप वहां से जा रहे हो, ठीक है? है? का क्या नून के बाद का फॉर द आफ्टरनून अंटिल अर्ली इवनिंग अब ये जो है ना सिक्स पी एम ये कहीं पे 5 पीएम है कहीं 4 pm है कल्चर का अलग अलग फर्क है तो वो कॉमन थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा राइट right? सी डस्की सा माहौल हो चुका है अधियारा हो चुका है तो वहां पे गुड इवनिंग आप बोल सकते हैं बिल्कुल राइट एंड बिकॉज ये भी अंधेरा भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे होता है तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंसिकल है एंड गुड इवनिंग पूरा फॉर द रेस्ट ऑफ द इवनिंग पूरा का पूरा रात तक जब तक आप उस उस जगह से अलग नहीं हो रहे विदा नहीं हो रहे जा नहीं रहे तब तक आप उसका यूज कर सकते हैं ठीक है so, सो ये हो गए आपके सेल्यूटेशन ग्रीटिंग्स एंड ऑल अब इंट्रोडक्शन की बारी आती है इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ हियर आर सम सिंपल फ्रेजेस यू कैन यूज जो हमारे बालक बच्चे यहां कर सर अंग्रेजी नहीं आती है सेंटेंस बनाने नहीं आता ये सब उन्हीं के लिए इसीलिए बिल्कुल बेसिक लेवल पे सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज बेसिक फ्रेजेस हां जी बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ वट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ओवर हियर नाइंटी फाइव परसेंट पीपल स्टार्ट देयर इंट्रोडक्शन बाई से माई सेल्फ माई सेल्फ विश्वेंद्र माई सेल्फ साजिद माई सेल्फ माई सेल्फ मोनिका रुचि वट्स एवर राइट सो ये गड़बड़ है माई सेल्फ यूज नहीं होता इन प्रोनाउन में इन प्रोनाउन लेस लेसन ऑफ प्रोनाउन आपने ये चीजें पढ़ी हैं माई सेल्फ इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन राइट एंड दैट डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पे आपको एक सब्जेक्ट के तौर पे अपनी बात कहनी है और उसके लिए क्या एक्सप्रेशन हैं दो हैं आप आई एम लगा सकते हो सिंपली ज्यादा सोचना नहीं है वहां पे आई एम योर फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम प्लस सर नेम दोनों च्वाइसेज आपके पास हैं कहां लगाना है अभी उसके बारे में बात कर लेंगे दूसरा क्या है माई नेम इज योर फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम प्लस सर नेम ऐसे मैं ये कह सकता हूं आई एम सत्येंद्र मैं ये भी कह सकता हूं आई एम सत्येंद्र तिवारी या मैं ये कह सकता हूं माई नेम इज सत्येंद्र एंड माई नेम इज सत्येंद्र तिवारी सो दिस इज वॉट ये दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास है एंड इफ यू आर स्पीकिंग दीज टू स्ट्रक्चर ये बिल्कुल सही है डोंट एवर यूज माई सेल्फ दिस इज ब्लंडर दिस इज ब्लंडर एंड आप एक बहुत ही रॉन्ग सिग्नल सामने वाले को भेजते हैं अपनी अंग्रेजी को लेकर के बट मुझे पता है अभी जब मैं शायद आपसे इंटरव्यूज करूंगा भी जैसे मैंने वीडियो की बात करी थी कि वीडियो कॉल्स पे हम इन सब चीजों को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो भी देखना बहुत सारे लोग फिर भी माई सेल्फ बोलेंगे बिकॉज वो बहुत गहराई से दस पंद्रह साल से दिमाग में घुसा हुआ है सो इवन इन द इंट्रो सेशन आई सेट दिस थिंग टू यू कि भाई यू नीड टू बी वेरी वेरी एक्टिव होश में रहना बहुत जरूरी जब आप बोल रहे हैं बेहोशी में बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है और जैसे ही हम अपना ऑन करते हैं मीटर वो निकलना शुरू हो जाता है तो वाइल यू आर स्पीकिंग यू नीड टू बी वेरी अलर्ट कि मैं क्या बोल रहा हूं अगला क्या है इनफॉर्मल सिचुएशन गिव योर फर्स्ट नेम एंड सर नेम जैसे मैंने बताया इन so uh, in kind of kind of पे आपको पूरा नाम बोलना होता है एनुअल पार्टी ऑफ योर कंपनी राइट एंड इवनिंग में पार्टी है लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पे आप अपना सिर्फ फर्स्ट नाम ले सकते हैं राइट right? लाइक माई नेम एज या आई एम और उसके बाद आपने अपना नाम ले लिया ठीक है सो लेकिन फॉर्मल सिचुएशन में आप पूरा ना, पूरा नाम देते हैं द अदर पर्सन इज प्लीज टू मीट यू और नाइस टू मीट यू और गुड टू मीट यू दीज काइंड ऑफ एक्सप्रेशन यू कैन यूज राइट सो सपोज समोड्यूसिंग यू आपको वो इंट्रोड्यूस सॉरी आप, आपको आप, मतलब अपने आपको आप को आपसे इंट्रोड्यूस कर रहा है वो तो आप क्या बोलने वाले हैं दूसरा पर्सन क्या बोलेगा प्लीज टू मीट यू या नाइस टू मीट यू आर गुड टू मीट यू दीज एक्सप्रेशन यू कैन यूज दिस इज शुभम द धीच इन फ्रंट ऑफ यू शुभम दिस इज कहां यूज करते हैं अभी उसकी बात कर रहे हैं दिस इज जनरली हम तब यूज करते हैं देखो इंट्रोडक्शन में भी दो चीजें आ गई एक तो आप इंट्रोड्यूस खुद को कर रहे होते हैं और एक है कि आप किसी और को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो अगर शुभम अपने दोस्त मान लो राजेश उनके दोस्त हैं और राजेश को शुभम जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तब वो सामने वाले को बोलेंगे कि दिस इज राजेश दिस इज माय फ्रेंड कॉमा राजेश ये तरीका है ठीक है दिस इज से बेहतर है आ रहे हैं प्रकाश दिस इज के ऊपर अभी अगला अगली स्लाइड उसके बारे में है। तो ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं राइट प्लीज टू मीट यू इस टू मीट यू आर गुड टू मीट यू लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं इट्स नॉट अबाउट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर प्रोजेक्टिंग आप कैसे इन शब्दों का बोल कैसे रहे हो यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी आवाज किस तरीके की है जिससे यह पता न लगे कि तुम फ्रेजेस रटके आए हो टेम्पलेट रट के आए हो नहीं दैट शुड फील कि यह बिल्कुल एफर्टलेसली आ रहा है एग्जाम्पल कॉन्वर्सेशन एस इज हाई आई एम केतन बी स्लीज टू मीट यू आई एम जातन राइट सो अब यह नहीं कि सामने वाले ने बोला हाई या अब यह हाई क्या है इनफॉर्मल सिचुएशन में हाई आई एम केतन तो आपको हाई आई एम चेतन नो ऐसे नहीं सो so, सामने वाला अगर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है आपसे तो आपको पहले गर्माहट दिखानी है देखो तो कम्युनिकेशन जब भी दो लोग मिलते हैं तो वो कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी अगर एक वार्म नहीं है तो सामने वाला कंफर्टेबल फील नहीं करता तो आपको बोलना पड़ेगा प्लीज टू मीट यू माय नेम इज जतिन या आई एम जतिन राइट सो ये प्लीज टू मीट यू पहले बोलना है प्लीज टू मीट यू आई एम जतिन सो उसके बाद वो भी अपना सर हिलाएगा ठीक है और वो भी कहेगा कि यस प्लीज टू मीट यू टू या नाइस टू मीट यू टू डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि वो फ्रेज इसीलिए आपके पास चॉइसेस हैं नाइस टू मीट यू गुड टू मीट यू प्लीज टू मीट यू सो इट्स नॉट मैंडेटरी अगर सामने वाला प्लीज टू मीट यू बोल रहा है तो आप भी बोलें आप दूसरा यूज कर लीजिए गरीबी थोड़ी है हमारे पास एक्सप्रेशन की ठीक है अब देखो ए अब ये थोड़ा सा ये किसका आ गया ये इनफॉर्मल सेटअप का है दिस इज इनफॉर्मल अब आ गया फॉर्मल सेटअप ए सेज़ गुड मॉर्निंग आई एम केतन सिंह जो पीछे आपने बात सीखी है इन फॉर्मल सेटअप यू आर सपोज टू स्पीक योर कंप्लीट नेम गुड मॉर्निंग माई नेम इज केतन सिंह या आई एम केतन सिंह बी प्लीज टू मीट यू आई एम जतिन शुक्ला ए सेज नाइस टू मीट यू टू दो बार टू लिख दिया है गलती से ये टाइपिस्ट ने नाइस टू मीट यू टू भी कह सकते हैं आप यहां पे लास्ट में टू तुमसे भी मिलके बड़ा अच्छा लगा अब देखो यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट uh, uh, आपने एक्सप्रेशन uh, है जो आपने सुना भी होगा आई लव यू राइट आई लव यू सो वहां पे क्या बोलते हैं फिर आई लव यू टू आई लव यू टू सो अब यहां पे क्या बात समझ में आ रही है कि भाई तुम मुझे प्यार करते हो मैं तुमको भी प्यार करता हूं हैं बहुत सारे लोग जिनको मैं प्यार करता हूं तुम भी उसी फहरिस्त में शामिल हो गए तुम भी उसी में शामिल हो गए दैट्स द मीनिंग आई लव यू टू अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं तो आई टू लव यू टू की प्लेसमेंट so ये बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो पॉपुलर कल्चर में इस्तेमाल होती हैं और हम बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं बोलते हैं उसको और इतनी आदत पड़ गई है कि जब सही सिचुएशन में यूज करना होता है तो वह गड़बड़ हो जाता है अब लाइक दर इज अ फ्रेज वी यूज आई लुक आई एम मैं सही बोल देता हूं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट यू राइट इन योर ई मेल्स राइट इवन इन स्पीकिंग यू यूज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू बट दिस स्ट्रक्चर इज इन करेक्ट राइट इन करेक्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इज करेक्ट लुक फॉरवर्ड टू इज अ फ्रेज विच टेक्स जिर एज एन एक्टिविटी सो मीटिंग वहां पर आएगा एकदम अगर आप प्योरटेनिकल होकर जाओगे तो आप बोलोगे आई लुक फॉर्वर टू मीटिंग यू ये बिल्कुल है 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 बिल्कुल शुद्ध ठीक है. स्पीकिंग है, में थोड़ा आप इनफॉर्मल हो सकते हैं बट गलत नहीं हो सकते ना सो आई लुक टू मीटिंग यू इज करेक्ट एप्सोलूटली प्योरटेनिकल एज पर द ब्रिटिश इंग्लिश स्टैंडर्ड बट आई एम लुकिंग फॉवर टू मीटिंग यू इज ऑल्सो करेक्ट देर इज नो प्रॉब्लम इन राइटिंग आर स्पीकिंग दिस वे बट आई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इज एब्सोल्यूटली इनकरेक्ट बट सेवेंटी टू एटी परसेंट पीपल राइट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इन देयर ई मेल्स आर दे यूज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इन स्पीकिंग एंड दिस इज डेंजरस सीखना है भाई भाषा सीखनी है हमें अगर गलतियां ये आप नहीं कह सकते लॉजिक दे सकते सब लोग तो यही बोलते हैं बेवकूफी हमेशा ही uh, सब लोग करते हैं बेवकूफी जनरली भीड़ की एक पहचान होती है राइट right? सो so, वो कई बार ये आपको बेवकूफी करते नजर आएंगे तो आपको ये देखना है कि नहीं वो अगर 90 परसेंट लोग वो गलत यूज कर रहे हैं तो इससे ये नहीं कि वो सही हो जाएगा आपको सही सीखना है बात समझ में आ गई तो डू आई डू सो आई शमीम आएंगे उसके ऊपर भी आएंगे इंट्रोड्यूसिंग अदर पीपल अब आप देख लो जो दिस इज वाला कॉन्सेप्ट था दिस इज और उसके बाद नेम ऑफ योर फ्रेंड राइट ये इंपॉर्टेंट बात है कि दिस इज बोलो और उसके बाद अपने दोस्त का नाम बोलो कि आप किसी अब यहां पे तीन लोग हो गए आप आए हो आपके साथ आपके मित्र आए हैं और सामने एक इंसान और बैठा है अब आप अपने मित्र को सामने वाले से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो वहां आप क्या बोलेंगे दिस इज एंड देन आप अपने दोस्त का नाम लेंगे सो नाउ गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड इज अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर ही इज अ कलीग शी इज माई कजन कुछ भी इस तरीके से आप बोलिए कि दिस इज सौरभ दिस इज आर्यन राइट दिस इज आर्यन हीज अ फ्रेंड ऑफ माईन दिस इज आर्यन हीज अ फ्रेंड ऑफ माइ दिस इज आर्यन ही इज अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर राइट तो ये तरीका ज्यादा बेहतर है कि जब किसी और को आप इशारा क्योंकि दिस लगा हुआ ना दिस यू डू नो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एड्जेक्टिव ठीक है सो दिस इज उसके बाद आपको थर्ड पर्सन का जो है उसका नाम लेना है वहां पे बात समझ में आ गई हां साजिद जो भी डाउट है सब पूछना भाई कोई दिक्कत नहीं है तो और पूछने क्लास बेसिक से होगा ना बेटा ये बेसिक ही चल रहा है ये सबसे बेसिक होता है यही बेसिक है जहां पे आप ये कोशिश में रहते हो कोई बता दे कि हमें कहां पर क्या बोलना है कोई हमें बता दे कहा कैसे बोलना है इसीलिए तो स्पीकिंग का बैच ज्वाइन किया है ना तो सबसे बेसिक लेवल पर बात यही है कि हमें कहां बोलना है कैसे बोलना है फॉर्मल सिचुएशन क्या है इनफॉर्मल सिचुएशन क्या है आ, कहां हाय लगाएं कहां हेलो लगाएं कहां पूरा नाम बोले कहां आधा नाम बोल सकते हैं ये सब ही तो बेसिक है और क्या है स्पीकिंग में तभी मैंने कहा कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज इसके बाद आएगी बात ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू इंटरव्यू में भी कई लेवल होते हैं ना किस लेवल का इंटरव्यू है अब जो यूपीएससी का लेवल है या कैट का लेवल है इंटरव्यूज का प्रीमियर बी स्कूल्स का वो बिल्कुल टफेस्ट लेवल है आपका राइट या एसएसबी में जिस तरह के मेंटल चैलेंजेस आप फेस करते हैं तुम एक नॉर्मल नौकरी के लिए जा रहे हो प्रेस्ट ग्रेजुएट हो वहां पे कैसा इंटरव्यू होगा आईटी का कैसा होगा एचआर का कैसा होगा टेक्निकल इंटरव्यूज कैसे होंगे वो सारी चीजें अलग अलग, अलग हैं तो वो सब आपको विस्तार से बताऊंगा मैं वो सेकेंड स्टेज है और तीसरा जो स्टेज होगा जब आप ये सब सीख लोगे कि अच्छा हाँ आप बात समझ आ गई क्या करना है कैसे करना है तो कैसे के लिए लास्ट में हमारा जो तीसरा सेक्शन आएगा इसका जहां पे सारी टेक्निकल बातें किस तरीके से आपके बोलने के सारे अंग अंग काम करते हैं उनका क्या रोल है सब देखेंगे हम बात समझ में आ गई तो इंट्रोड्यूसिंग अदर पीपल के लिए ये आप यूज करते हैं दिस इज का ध्यान रखिए अब आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए खुद को इंट्रोड्यूस करना आई एम या माई नेम इज दोनों आप यूज कर सकते हैं किसी दूसरे को आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किसी तीसरे से तो वहां पे आप दिस इज के बाद उसका नाम ले लेंगे और उसके बाद उसके साथ आपका क्या एसोसिएशन है वो आप बताओगे जो कि यहां पे लिखा हुआ है ही 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 इज 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 अ अ अ फ्रेंड फ्रेंड ऑफ ऑफ माइन माय ब्रदर कलीग शी इज माय कजन और एनीथिंग लाइक दैट एग्जांपल एग्जाम्पल ए सेज जॉन दिस इज पॉल ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हाय पॉल नाइस टू मीट यू पॉल से गुड टू मीट यू जॉन अब देख रहे हो यहां तीन लोग हैं और तीनों के बीच की बात हो गई देविका सेज दिस इज शी इज माई कजन बी सेज हाय शैली प्लीज टू मीट यू सैली सेज प्लीज टू मीट यू टू राइट सो कई बार ये जो टू है ना देखो एडवर्ब आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड देर इज अ काइंड ऑफ कंजेक्चर दैट फ यू आर यूजिंग एनी एड वर्ब इधर एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस तो जनरली वो पूरे पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब करता है राइट right? तो यह बिल्कुल चल जाता है प्लीज टू मीट यू टू बात समझ में आ गई कलीग का क्या मतलब होता है अजीत अजीत आप कौन सी क्लास में है मेरे भाई किस क्लास में है आप क्या पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं कि कलीग शब्द आपने आज तक नहीं सुना कलीग जो आपके साथ काम करता है उसे कलीग कहते हैं ठीक है ना गौतम कह रहे हैं नोट करना है। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे अच्छा हाँ नोट्स के लिए बहुत परेशान हो भाई ये जो क्लास में लिख रहा हूं ना साथ में साथ ये सब भी आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा लेकिन क्योंकि देखो ये एक स्लाइड में है तो मैं ये पूरा चाह रहा हूं कि आपको जब ये पूरा हो जाए तो एक साथ मिल जाए तो इस चक्कर में पीडीएफ के चक्कर में परेशान मत रहना बिल्कुल भी तो ये आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से मिल जाएगा क्लास नोट्स ही पूरा का पूरा मैं दे दूंगा जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं कुछ लिख रहा हूं इशारा कर रहा हूं वो सब आपको मिल जाएगा बाकी वीडियो आपके पास है ही ठीक है तो नोट करने के लिए मत परेशान रहो अभी हमारे एक भाई और कह रहे हैं कि सर नोट क्या करना है ये बता दो ये बहुत पुरानी आदत है बचपन से याद होगा ना स्कूल के दिनों में क्या लगता था कि यार अगर नोट नहीं कर पाए तब तो गया क्योंकि जैसे ही हमारे गुरुजी टीचर जो हैं सामने वो जैसे ही बोर्ड साफ करेंगे वैसे ही ज्ञान उठ जाएगा तो ये बहुत फियर रहा है बचपन से मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पे नोट बनाना बाद का काम है पहले प्रैक्टिस में लेके आना है स्पोकन है ये राइटिंग नहीं है जिंदगी भर राइट किया है तभी तो नहीं बोल पाते हैं फिर वही बीमारी पकड़ लेंगे आपको मैंने बोला ये सारे नोट्स मिल जाएंगे मैं बहुत जल्दी ये भी कोशिश करूंगा कि एक अच्छी सी डिसेंट बुक जिसमें तीनों लेवल लेवल वन स्पीकिंग लेवल टू स्पीकिंग लेवल थ्री स्पीकिंग हर तरह की चीज भी आपको दूंगा तो किताब और नोट्स के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो फोकस रखो स्पीकिंग के ऊपर हम बोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि अंग्रेजी पूरी जिंदगी लिखी है, है हमने पूरी जिंदगी लिखी है अंग्रेजी और पढ़ी है बोलने पर काम नहीं हुआ तो जो काम नहीं हुआ वो काम करने के लिए बैच ज्वाइन किया है बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी हैं इस बैच में जो एनरोल हुए हैं तो वो पढ़ाई भी कर चुके हैं चार साल पांच साल छह साल उनको काम करते हो गया बट स्टिल दे फेस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे आर सपोज टू गिव एनी प्रेजेंटेशन दे नीड टू टॉक टू द टॉप मैनेजमेंट उनके उनके पसीने छूटने लगते हैं वैसे वो अपने काम में बहुत कॉम्पिटेंट है बट डेफिनेटली जब आप अपने करियर पाथ में ऊपर बढ़ते हो सो यू नीड टू लीड द टीम आप टीम लीडर बनेंगे लीड करेंगे आपके अंडर में आठ दस पंद्रह बीस लोग होंगे आपको अपने ऊपर वाले मैनेजमेंट से बात करनी होगी रिटर्न कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन दोनों तरह की कम्युनिकेशन होती है सो रिटर्न कम्युनिकेशन में कई बार बेहतर होते हैं बट वेन इट कम्स टू ओरल कम्युनिकेशन दैट यू हैव सम फैंटास्टिक आइडिया इन योर माइंड बट आपको क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती है आप अपने सीनियर से बोल नहीं पा रहे अपने बॉस से बोल नहीं पा रहे आपको पता है कि अगर मैं ये बोलूंगा ना तो मतलब कंपनी को बहुत फायदा होगा मैं बॉस की नजर में भी आऊंगा मेरी भी पर्सनल ग्रोथ होगी क्योंकि उसको लगेगा अच्छा हाँ, इस इंसान की वजह से मेरी ग्रोथ है बट यू आर एक्चुअली अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग तो आप अपनी टांग पीछे खींच लेते हैं तो ये दिक्कत बहुत सारे लोगों की स्पीकिंग पे इस पे फोकस कर रहे हैं ये नहीं लिखनी है बैठ के यहां मैं आपके लिए लिख चुका हूं आपका काम मैं कर चुका हूं नहीं तो मैं खड़े होकर बोल देता आपको ये लिखना पड़ता क्यों ये सारे नोट्स बनाए आपके लिए कि आपको अपना अपना पूरा फोकस आपको स्पीकिंग पे रखना है ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे उसकी टेंशन मत लो अपने लिए थोड़ी ये सब चीजों को मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर किया है बात क्लियर हो गई तो अभी तक जो बात हुई है मैं बस पांच मिनट में दो मिनट में उसको रिकैप कर देता हूं इंट्रोडक्शन ग्रीटिंग की बात हुई तो आपको पता लग गया कि भाई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून गुड नाइट कब कहना है कैसे कहना है और ये फॉर्मल सेटअप में है इन फॉर्मल सेटअप में आपके पास हाय और हेलो है Hi, जो है वो आपसे जो जूनियर लोग हैं या इनफॉर्मल सा माहौल है वहां पे यूज होगा हेलो थोड़ा सा फॉर्मल में यूज हो जाएगा ये हो गई ग्रीटिंग की बात फिर आती है बात इंट्रोडक्शन की अगर खुद को इंट्रोड्यूस करना है देन देन यू कैन यूज आई एम टेक योर योर नेम 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 इज एंड पुट आउट देयर और उसके बाद तीसरा जो तरीका है इंट्रोडक्शन का वो जब आप किसी और को किसी तीसरे से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तब होता है एंड दैट इज वॉट दिस इज सो दिस इज अजीत माई फ्रेंड आर माई कजन और कुछ भी इस तरीके का तो आप वहां पे इसको यूज करते हो यही हमने अभी तक सारा यहाँ पे पढ़ा है ठीक है फुल नेम हाफ नेम वाली बात आपको समझ में आ गई इनफॉर्मल में आप हाफ नेम लेते हैं और फॉर्मल सिचुएशन में फुल नेम लेते हैं फॉर्मल uh, सिचुएशन में इनफॉर्मल होना डेंजरस हो सकता है इस बात का ध्यान रखिए कूल डूड बनने के चक्कर में काम खराब नहीं करना राइट यू आर फेसिंग एन इंटरव्यू अब किसी अच्छी जॉब का इंटरव्यू है आप वहां कूल cool डूड बन के गए हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगा तो ये समझना है व्हाट इज फॉर्मल व्हाट इज इनफॉर्मल जैसे मैंने कहा कि सवेरे ऑफिस में आपकी मुलाकात हुई विद योर बॉस सो दैट इज अ फॉर्मल सेटअप बट इन द इवनिंग देर इज अ पार्टी ऑफ योर कंपनी राइट एंड डेफिनेटली वहां पर बॉस भी इनफॉर्मल है आप भी इनफॉर्मल है सो नाउ द कन्वर्सेशन विल बी वॉट दैट वुड बी इनफॉर्मल बिकॉज दैट इज एन इनफॉर्मल सेटअप सो सेटअप इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीकिंग में सेटअप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप कहां बोल रहे हैं अब जैसे मुझे कई बार टॉक्स देने जाना होता है सो so डेफिनेटली मैं एक्चुअल बात शुरू करने से पहले मैं एक बार हॉल विजिट करता हूं जो कोऑर्डिनेटर होते हैं मैं कहता हूं एक बार वो दिखा दो, दिखा दो दो हॉल मुझे कहां से बोलना है कितनी ऑडियंस होगी किस तरह की ऑडियंस होगी राइट ये सब मुझे पूछना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं क्या बात करने वाला हूं तो इफ माई ऑडियंस इज अ स्कूल स्टूडेंट्स तो मुझे अलग तरीके से बात करनी होगी कॉलेज स्टूडेंट अलग तरीके से बात करनी होगी अगेन डिपेंडिंग ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स बात अलग तरीके से होगी तो ये क्या है, ये करता है कि वॉट इज टारगेट ऑडियंस वॉट इज द सेटअप राइट इट्स अ फॉर्मल सेटअप इट्स एन इनफॉर्मल सेटअप अब मान लो मैं डायस से उतर के स्टूडेंट्स के बीच में आ गया तो वहां पर इनफॉर्मल हो जाएगा मामला वो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, अगर मान लो एक घंटा मैंने ज्ञान दिया उनको कुछ सो so, अब वो मुझसे सवाल पूछना चाह रहे हैं अभी तक वो मुझसे डर रहे थे या दूरी थी कि चाह सर खड़े हैं आए हैं बाहर से ज्ञान देने अब मैं उनके बीच में आ गया उनके साथ बैठ गया इनफॉर्मल हो गया तो अब वो दिल खोल के अपनी बात कर पाएंगे और वहां बात करने का तरीका मेरा अलग होगा बट वाई आई एम गिविंग अ टॉक तो वहां पे तरीका बिल्कुल अलग है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज बातें हम धीरे धीरे आगे करेंगे क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग पे भी टॉक होगा यहां पे ज्ञान दिया जाएगा आपको पब्लिक स्पीकिंग में क्या ध्यान रखना है वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन में क्या रखना है जीडी में क्या रखना वो सब आगे सेकेंड स्टेज में देखेंगे चलिए टॉपिक फोर गिविंग पर्सनल इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश समटाइम्स पीपल आस्क यू फॉर पर्सनल डिटेल्स सच एज नेम एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ हियर आर समिपिकल क्वेश्चन एंड वेज यू कैन आंसर अगेन बेसिक्स चीज क्योंकि देखो तो जब इंट्रोडक्शन दे दिया ग्रीट कर लिया इंट्रोडक्शन दे दिया तो आगे क्या होगा आप बातचीत होगी पर्सनल डिटेल्स शेयर होंगी न क्या कहां से आए हो क्या कर रहे हो आप तो इनमें हम क्या क्या कर सकते हैं नेम है डेट ऑफ बर्थ है कैसे बोलना यही नहीं समझ में आता कई बार पूछो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो कई तो ऐसे अंग्रेजी बोलते हैं आई एम रीडिंग इन एट रीडिंग नहीं स्टडिंग या आई एम इन सीधा बोल दो स्टडिंग और रीडिंग में फर्क होता है ना सो so, uh, मैं पढ़ रहा हूं अब आप हिंदी जब अनुवाद रटते हो तो मैं यहीं पे मामला खराब होता है तो so, रीडिंग का मतलब पढ़ना एज इन एक्टिविटी कि आप लिटरली उस समय कुछ पढ़ रहे हैं सो so, स्टडी और रीड uh, में फर्क है एनी anyway, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि भाई आई एम इन दिस पर्टिकुलर ग्रेड लेकिन वहां पे एट जब आप बोलते हो तो वो गड़बड़ है आठ क्लास में आप एक साथ नहीं पढ़ रहे आप आठवीं क्लास में पढ़ रहे हो एट्थ में पढ़ रहे हो नाइन्थ में पढ़ रहे हो टेंथ में पढ़ रहे हो तो हम जब इस लेवल पे गलतियां करते हैं ना तो सामने वाले का दिमाग घूम जाता है थर्टी सेकेंड में उसका पारा हाई हो जाता है कि यार ये कैसा आदमी आया इंट्रोडक्शन में बोल रहे हैं माई सेल्फ कुछ महान विभूतियां बोलती हैं आई बिलोंग्स आई बिलोंग्स भाई ये कहां कहां पढ़ लिया तुमने कि आई के साथ वर्ब में एसियस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में आई बिलोंग होता है आई बिलोंग्स बोलते हैं कुछ पता नहीं कहां से कब कब का दिमाग में बचपन का पंद्रह साल बीस साल पुराना वो डाल के बैठे हुए हैं आई बिलोंग्स तो ऐसी बहुत सारी हम गलतियां करते हैं जिससे सामने वाला पुट ऑफ हो जाता है फिर वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं करेगा आपसे बात करने में देखो सो so, आइए देख लेते हैं इसको क्वेश्चन वर्ड्स अब आप जो भाई कह रहे ना कि सर अंग्रेजी एक अबीर सज्जर ने लिखा सर आप उनके लिए पढ़ा रहे हैं जिनको अंग्रेजी आती है तो बेटा हाँ अंग्रेजी आती है तभी तो अंग्रेजी में बात करोगे ना है तो इतने तो बड़े हो गए कि स्कूल गए हो गए आप तो उतनी अंग्रेजी आपको आती है जितना स्पीकिंग के लिए चाहिए अब उनके लिए भी ये सब चीज लिखा गया क्वेश्चन वर्ड यू डू नो हुज हुई वेयर वॉट विच वेन हाउ सो हु इज वॉट आस्क फॉर नेम आर पर्सन हु आर यू कई बार फिल्मों में भी नहीं दिखाते हैं हाँ, हाँ वही तो हाउ आर यू हाउ आर यू आमिर खान की कोई फिल्म थी ना हु आर यू की जगह हाउ आर यू तो भाई जब नई नई अंग्रेजी बोलना सीखते हैं तो ये सब गड़बड़ हो जाती है अगर आप रटके बोल रहे हैं तो तो खैर ये बेसिक शब्द है हु का मतलब कौन हुज़ का मतलब किसका इट्स अ पजेसिव केस इट्स अ पजेसिव केस जिससे आपका रिलेशनशिप पता लगता है इसीलिए लिखा हुआ है आस्क अबाउट द ओनर लाइक हुज बुक इज दिस कार इज दिस किसकी किताब है ये राइट सो हुज इज किसका किसकी किसके वाई आस्क फॉर अ रीजन

हाउ लॉन्ग टू आस्क अबाउट ड्यूरेशन एंड हाउ ऑफन टू आस्क अबाउट फ्रीक्वेंसी तो ये देखो ये चार फ्रेजेज आपके पास यहां सवाल पूछने वाले दिखाई दे रहे हैं हाउ लॉन्ग एंड देन हाउ ऑफन हाउ ऑफन डू यू विजिट दिस प्लेस आई विजिट दिस प्लेस वंस अ वीक आई विजिट आई विजिट दिस प्लेस ट्वाइस अ वीक सो हाउ ऑफन टॉक्स अबाउट फ्रीक्वेंसी कि उस काम की बारंबारता क्या है वो काम कितनी बार हो रहा है तो हाउ ऑफन क्या पूछता है फ्रीक्वेंसी पूछता है हाउ लॉन्ग लिखा है तो डेफिनेटली ड्यूरेशन की बात करेगा अभी आज जो हम इंग्लिश स्पेशल फोर्टी नाइन के क्लास में टेंथ पढ़ रहे थे तो वहां पर क्वेश्चन था इस तरीके से हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग यू आर प्रिपेरिंग राइट आई वॉन्ट टू नो हाउ लॉन्ग यू आर प्रिपेरिंग इस तरह से कुछ सेंटेंस था तो हाउ लॉन्ग आते ही समझ में आ गया कि यू आर प्रिपेरिंग इज इनकरेक्ट

आपने इंट्रोड्यूस कर लिया एक दूसरे से बात कर ली ग्रीटिंग्स हो गई तो अब कुछ सवाल पूछोगे जिंदगी के बारे में व्हाट आर यू डूइंग नाउ नावेज क्या कर रहे हो तो तुम आज कल राइट right? uh, कैसा था वो प्रोजेक्ट कहां गए थे कब मिला था उससे तो ये इन सभी जगहों पे सवाल पूछ रहे हो अब देखो जो हमारे भाई कहते हैं सर अंग्रेजी नहीं आती अब इतनी तो इसीलिए उनके लिए है ये रिमेंबर द वर्ड ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हें तो दूसरी तीसरी कक्षा में सिखाया गया क्वेश्चन वर्ड ऑप्शन ऑक्सिलरी डू डज वॉक टू बी जैसे जरूरत है वो लगा लो गया सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट जैसे यहां पे देख लो वेयर डू यू लिव वेयर डू यू लिव पहला दूसरा ती, यहां पे तीन लिखना चाहिए था टाइपिस्ट से गलती हो गई तो so, यहां पे क्या देख रहे हैं आप वेयर इज वॉट दैट इज क्वेश्चन वर्ड देन ऑक्सिलरी वर्ब कम्स डू डिड जैसे भी है देन यू विच इज सब्जेक्ट और फिर लिव वर्ब आ गया राइट right. कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसका पूरा कुछ और तुम्हें अगर उसमें ऐड करना है सेंटेंस में तो तो सारी की सारी बातें आ गई वेर डू यू लिव तुम कहां रहते हो व्हाट इज योर नेम क्या नाम है तुम्हारा तुम्हारा क्या नाम है डू यू लाइक रीडिंग ये वाला सवाल देखो अलग हो गया आपको पता है जब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की सो आर टू सेकेंड वन इज क्लोज एंडेड सो एक में सवाल का जवाब हाँ और ना मिलता है आपको अब जैसे किसी ने पूछा कि डू यू लाइक रीडिंग सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ईदर यस और नो हा तो एक सवाल वो है जिनका जवाब हा और ना में मिलता है और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं किसके द्वारा जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं वहां पे आप इसीलिए क्या लिखा था क्वेश्चन वर्ड ऑप्शनल है इट्स ऑप्शनल कि भाई यहां पे जैसे दो में देखो क्वेश्चन वर्ड लगा या नहीं लगा बट इंट्रोगेटिव तो तीसरा वाला भी सवाल पूछने के लिए सो so, हा और ना में जब आपको जवाब चाहिए तो डेफिनेटली यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन विद हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस डू हैज हैव राइट बट अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए क्या कर रहे थे कब कर रहे थे कहां कर रहे थे क्यों कर रहे थे जब सवाल पूछने वाले शब्द चाहिए या कब से कर रहे हो कितना टाइम हो गया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस तुम इस काम में कितने लंबे समय से हो क्या ड्यूरेशन है इस काम का सो so, वहां पे चीजें बदल जाएंगी ज नो क्वेश्चन वर्ड द क्वेश्चन स्टार्ट ऑक्सिलरी अब देखो वही वाली बात कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है जो हमने पीछे इन क्वेश्चन वर्ड की बात की व्हाट विच वेन हाउ हाउ ऑफन हाउ लॉन्ग हुम भी हो सकता है सवाल पूछने के लिए हुम डिड यू मीट सो इन सभी में अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है क्वेश्चन स्टार्ट विद्जिलरी वो ऑग्जिलरी वॉब से शुरू हो जाएगा डू डज डेड हैज है आप शुरू कर लेंगे विल शैल जो भी है. टिपिकल क्वेश्चन व्हाट इज योर नेम गिव योर फर्स्ट नेम देम माई नेम इज कमल शर्मा आई एम कमल शर्मा पीछे आप कर चुके हैं ये बात समझ में आ गई व्हाट्स योर फर्स्ट नेम कम अब सामने वाला अगर मान लो यही सवाल पूछ रहा है व्हाट्स योर फर्स्ट नेम अब जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पर क्या होता है फर्स्ट नेम मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम समाइम्स फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ये ये फॉर्मेट है तो so इसीलिए कोई पूछे तो आपको समझ में आना चाहिए क्या बोलना है परेशान नहीं होना व्हाट्स योर सर नेम फैमिली नेम और सेकेंड नेम यानी आपके सर के लिए ये तीन शब्द हैं हमारे पास सामने वाला अगर पूछ रहा है वॉट्स योर फैमिली नेम तो दैट डज नॉट मीन कि आपका निक पूछ रहा है कि बेटा तुम्हें घर पे किस नाम से बुलाते हैं पुकार वाला नाम नहीं पूछ रहे बिट्टू सोनू राइट तो वट्स योर यहां पे फैमिली नेम और सेकेंड नेम इन सबका मतलब होता है सर नेम सेकेंड नेम का मतलब सर सो so, आपने बता दिया भाई कमल शर्मा था शर्मा हो गया।

राइट द फीमेल इक्विवेलेंट ऑफ मिस्टर सो इसीलिए वहां पे मिस अब आप नहीं इंटरेस्टेड हैं ये दिखाने में कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है एक लेडी के तौर पे तो आप वहां पे मिस का एमएस का इस्तेमाल सिर्फ करेंगी एम आर एस जब लिखा जाता है तो वो क्या दिखा रहा है कि यू आर मैरिड राइट और अगर मिस लिखा हुआ है तो दैट इज वॉट कि आप सिंगल हैं सो so, एम जो है वो मिस्टर का इक्विवेलेंट है आप देखो मर्दों में तो पता ही नहीं लगता मिस्टर ही यूज़ कर रहे होते हैं आप एंड दैट डजन अब देखो ये समाज हमारा दिखा रहा है कैसे हमने भाषा का प्रयोग जो है मैंने कहा संस्कृति से समाज से का असर होता है पूरा तो क्योंकि देर हैज़ बीन अ पेट्रियॉर्कल सेटअप बहुत लंबे समय से पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हम अपनी बात कर रहे हैं हमारे यहाँ तो चीजें बहुत ही ओपन रही हैं हमेशा से ओपन रही हैं दर्जा यत्र नार्यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता इसी लैंड में कहा गया अः हम सारी शक्तियां अपनी देवियों से लेते हैं लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सो so, लक्ष्मी इज द देवी ऑफ द मटेरियल करेंसी सरस्वती इज द इंटेलेक्चुअल करेंसी एंड दुर्गा इज द इमोशनल करेंसी ताकत शक्ति की देवियां तो हमारे यहाँ वो हमेशा से हाई पेडिस्टल पे रही हैं अब उसके बारे में कभी फिर आगे चर्चा करेंगे चीजें कैसे बदली और ये अभी जैसे कहते हैं ना फील्ड अब आप खुद ही देख लो आज जाकर के अभी कल और आज में हमें मेडल्स मिले ओलंपिक में नहीं तो सारे मेडल्स लेडीज लेके आ रही हैं उस फील्ड में जहां फिजिकल का मतलब पुरुष माने जाते थे वहां भी महिलाओं का दबदबा है अभी और अब फिजिकल की जरूरत वैसे ही खत्म हो गई बात वही है कि नाउ यू कैन यू नो लॉन्च अ मिसाइल जस्ट बाय अ टच स्क्रीन तो अब आपको कहीं पे ना वो चप्पू नहीं चलाना या घुड़सवारी नहीं करनी है वो वाला मेहनत वाला काम खत्म हो गया और रहा क्या कि इतने हजार सालों तक महिलाओं का आकाश हमने लिमिटेड रखा राइट वो एक चारदीवारी के अंदर रही है जिस तरह का कल्चर हमने डेवलप किया तो महिलाओं के अंदर क्या ताकत डेवलप हो गई धीरे 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 उनको कम में ज्यादा देखने की ताकत आ गई वो डिटेलिंग में चली गई और आज समय किसका है डिटेलिंग का है आज डिटेलिंग का समय है कि आपको कितनी समझ है योर अंडरस्टैंडिंग योर इमोशनल इंटेलिजेंस असिमुलेशन पावर एनालिटिकल पावर योर पावर ऑफ सिंथेसाइज करने की कितनी ताकत है आपकी तो ये सारी चीजों की जरूरत है और इसीलिए आप देखो हर जगह महिलाओं के नंबर्स बढ़ रहे हैं तो पुरुषों को थोड़ा सचेत रहने की बात है कि आप थोड़ा सा मिलिए अपने साथ जुड़ाव बढ़ाइए और आ, आ, रोना छोड़ना पड़ेगा हमें दोनों पार्टीज के लिए बात अप्लीकेबल है राइट तो ये भी लेडीज को जो नकली फेमिनिज्म कई बार आ जाता है वो उससे भी आप किनारा छोड़ें आपका इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है और आप जिस भी हालात में हैं उस हालात में बेहतर करने के लिए सोचना है मैंने थोड़ा सा आपको सोशियो साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करी एनीवे क्योंकि तो देखो यहां से ये यह बात निकल के आई कि महिलाओं के लिए तुमने तीन तीन तरह के बना रखे हैं है? पुरुष का मिस्टर उसका पता नहीं लगना चाहिए वो शादी शुदा है या नहीं शुदा तो लेकिन क्योंकि वो कल्चर रहा है महिलाएं भी एक कमोडिटी की तरह से इस्तेमाल होती रही वो भी एक सामान है और जितनी महिलाएं हैं इतनी शादियां ये वो वो एक आपकी ताकत का प्रतीक रहा समाज में और उसमें कुछ हद तक शायद महिलाओं का भी योगदान रहा होगा तो एनीवे वे तो ये सब बात का डिस्कशन कभी करेंगे आगे जब जीडी की बात आएगी ग्रुप डिस्कशन की बात आएगी कंटेंट क्रिएशन की बात आएगी विल हैव डिटेल डिस्कशन विल लॉट्स ऑफ लॉजिक राइट और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपको देखने को वहां पर मिलेंगे एनी anyway, अगला क्या है व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ इट्स आप आगे बोल सकते हैं इट्स डे ईयर बोल दो आप सेकेंड ऑफ जुलाई 1989 या व्हेन वर यू बॉर्न पूछा जा सकता है तुम कब धरती पे आए थे कब प्रकट हुए थे तुम्हारा प्रकटीकरण कब हुआ था ऑन द सेकेंड ऑफ जुलाई नाइन राइट कैन यू राइट यू कैन राइट टू जुलाई नाइन लिखने में ऐसा लिख सकते हैं आप राइट जुलाई टू नाइन एटी नाइन बट बोलने में सेकेंड जुलाई ही बोलोगे सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और मैंने तो भाई नंबर भी दे दिया इसीलिए कि किसी को दिक्कत हो तो ये सब नोट में आपको मिल जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन यही नंबर है ट्वेल्थ ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी थर्ड मार्च I was born on 23rd March 1989. So, ये ध्यान में आपको इस तरह से रखना है कि सही यूज करो अगला है what's your marital status are you married? ये नॉर्मल है। फॉर्म में जब डेटाबेस जो आपका लिया जाता है आप क्या कह सकते हैं आई एम मैरिड आई एम सिंगल आई एम डिवोर्स्ड आई एम विडोर्ड तो जैसे हैं जो है आप उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर लेंगे शादीशुदा हैं अभी शादी नहीं हुई है तलाकशुदा हैं या शादी के बाद आपके पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसके लिए आपने विडोड इस्तेमाल कर लिया व्हाट्स योर एड्रेस वेयर डू यू लिव व्हाट्स योर एड्रेस 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 नॉट वॉटर पर ध्यान देना है और मैंने कहा था किसी से पूछने की जरूरत नहीं है डिक्शनरी है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मेरियम वेबस्टर कॉलिंस सब में आपके पास प्रोनाशिएशन है वहां पे सुनिए उन प्रोनाशिएशन को जो बी आर लिखा हुआ ब्रिटिश इंग्लिश गिव द फुल एड्रेस जब भी एड्रेस लिखना भी है नेम ऑफ द हाउस स्ट्रीट नंबर, टाउन सिटी कंट्री पोस्ट कोड ये सब ठीक so, है सो टॉपिक फाइव है पोलाइट फ्रेजेस वो हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में सो दैट्स ऑल फॉर दुडे सेशन आई थिंक दैट यू पीपल गॉट टू लर्न अलॉट देखो ये सब सत्यप्रकाश पूछ सर ये याद कैसे होगा फिर वो याद से क्यों नहीं बाहर निकलते हो हिंदी याद करके बोलते हो सत्यप्रकाश जी हिंदी याद करके बोलते हो आप हु? अपनी मातृभाषा याद करके बोलते हो नहीं बोलते हो ना तो अंग्रेजी भी वैसे ही है मैं बोलता हूं तो मैं यहां याद करके बोल रहा हूं क्या कि कुछ स्क्रीन लगी है मैं पेपर लेके कुछ पढ़ रहा हूं अरे मुझे जो बोलना है मैं बोल रहा हूं ना तो ये आ जाएगा ये याद करने वाला जो साइंस है दिमाग से वो हटाना पड़ेगा इनको याद नहीं करना ये बस तुम्हारे लिए क्यूज है ये उन लोगों के लिए है जिनकी हालत बहुत खराब है कि सब कुछ पढ़ाई लिखाई के बाद अगर मैं अपना नाम नहीं बता पाता हूं मैं मैं पैदा कब हुआ था मेरी पढ़ाई लिखाई क्या हुई है अगर ये नहीं बता पाता या मैं सामने वाले से कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाता बेसिक कॉन्वर्सेशन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हाउ द नॉटाउट इकोनमी वर्क टेन ईयर्स आई एम नॉट ऑस्किंग अबाउट दैट हाउ डू यू सी कि पिछले सात साल uh, हमारे एनडीए रेजीम के कैसे रहे आई एम नॉट ऑस्किंग अबाउट जियो के बारे में कि नहीं आपकी क्या राय है मिडिल ईस्ट में किस तरह के संकट आने वाले हैं या मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपका क्या उूट यू नो आउटलुक है ट्वेंटी थर्टी में दुनिया में क्या क्या चीजों में बदला आई एम आस्किंग अबाउट डैम यू आपसे आपके बारे में पूछा जा रहा है और अगर हम इस लायक भी नहीं हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा तमाचा है इससे बड़ी जिंदगी में कोई गरीबी नहीं है इफ आई एम ट्वेंटी प्लस आर व्हाट्स एवर यूर एज इज एंड आई एम नॉट एबल टू टॉक अबाउट माई फॉर नाइनटी सेकेंड इससे बड़ी दुनिया में क्या गरीबी होगी मैं तो कुछ और थोड़े ही पूछ रहा हूं इन सभी बातचीत में जितनी अभी हमने की है हमने नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की अभी तक बात की है और उसके बाद भी जो अगली सीरीज है आपने को कल मैंने दिखाया ही था आप दुकान पे जा रहे हैं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं बैंक में जा रहे हैं इसीलिए इसको बेसिक लेवल रखा गया है यहाँ पे कैसे बात करनी है कैसे पूछना है रेस्टोरेंट में जा रहे हो होटल में जा रहे हो बुकिंग कर रहे हो कुछ फोन पे बात कर रहे हो मैं तो मतलब इतने आपको ये भी बताया गया होगा कई बार कि जो कॉल सेंटर में जब आप कॉल करते हैं ना तो वहां पर कम से कम अंग्रेजी भाषा चुन लिया करो वहां आता है ना एक दवाएं हिंदी के लिए दो दबाएं अंग्रेजी के लिए प्रेस टू फॉर इंग्लिश आप वहां पे भी वन दबाते हो कितना बुरे हालात हैं अरे वो थोड़ी जज करने वाला है तुमको कॉल सेंटर वाला का अच्छा अच्छा इनकी अंग्रेजी तो हिली हुई है अरे तुम्हें बस फोकस क्या करना है इसीलिए अगर आप स्पीकिंग के साइंस में जाएंगे ना गहराई में तो यह बात निकल के आती है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन या द वे यू आर स्पीकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट और शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस ओवर ग्रामर टॉकिंग टू नेटिव स्पीकर यानी जो अंग्रेजी अंग्रेजी देश से ही आता है अंग्रेजों वाले देश से आता है नेटिव स्पीकर है आप उससे बात करोगे ना तो वो इस चक्कर में रहेगा कि भैया तुम प्रोनाउंस तो सही करो कि कम से कम हम समझ सकें। अब तुमने बोला आई बिकेम नर्वस तो वो उसको समझ ही नहीं आएगा कि भैया ये क्या बोल रहा है नर्वस तो बोलो वो बिकेम बिकम कुछ अगर तुमने धीमा भी बोल दिया नहीं उतने अच्छे से बोला समझ में आ गया कि हाँ तुम नर्वस हो गए थे आई बिकेम नर्वस तो अब नर्वस पे तुम्हारा जोर है आई पे जोर है बिकम बिकेम के चक्कर में वहां पे मत पड़ो अभी उतना जब नेटिव स्पीकर से बात कर रहे हो तो पॉइंट इज वॉट यू आर टॉकिंग टू एनी वन यूर फोकस शुड बी ऑन कि जो मैसेज करना चाहते हो वो पहुंच जाए तो ये भी आप कोशिश कर सकते हैं यू कैन मेक योर ओन स्टोरी यू नो सपोज तुमने कॉल सेंटर वाले को कॉल किया तुम अपनी प्रॉब्लम खुद ही बना लो कुछ बनाओ स्टोरी हाँ मैंने ये खरीदा था वैसा किया था इंगे सम टाइम जस्ट टू टेस्ट योर सेल्फ और उसके बाद आप उस बातचीत से आपको खुद पता लगेगा वो भी खुद बोलते हैं ना कि योर कॉल विल बी रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग पर्पजेज वो भी अपने जब नए बच्चे आते होंगे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बने उनको सुनाते होंगे देखो ऐसे कस्टमर बात करते हैं हमें ऐसे जवाब देना होता है अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो उनका ये मतलब हो सकता है तो आप वहां पर भी ट्राई कर सकते हो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव पे कॉल करके कंफर्टेबल फील करना जरूरी है आप मौके से भागी है मत कि जहां अंग्रेजी का सामना आया वहां चॉइस अगर है तो मैं हिंदी चूज कर लिया हिंदी तो यार ऑल योर लाइफ यू आर स्पीकिंग यू यू आर आर कंफर्टेबल इन दैट नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश और आपको पता है कि इंग्लिश ही आप इंग्लिश आपको के विंग्स को बढ़ाता है उसकी रेंज बढ़ाता है आपकी उड़ान बड़ी होगी जैसे कहते हैं ना जहां पैदा हुए फिर वहीं वही निपट जाते हैं क्योंकि डरे हुए थे सहमे हुए थे अपने आप को कोई नया टास्क नहीं दिया तो बहुत आसान चीजें हैं और बेसिक लेवल पे हम इसी आसान की बात करते हैं और होपफुली कल अच्छा फ्राइडे है सो तो अगले दो दिनों में दो क्लासेस के अंदर होपफुली फुलीन दो क्लास के अंदर बेसिक्स का सेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा और फिर हम आ, अपने अगले स्टेज दूसरे पड़ाव की तरफ आएंगे जहां बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपका इंतजार कर रही हैं ठीक है ठीके? चले धन्यवाद थैंक यू वेरी मच अब मिलते हैं कल और इसके बाद इसके आगे प्रोसीड करेंगे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी आई नॉट एबल टू सी योर कॉमेंट्स चलिए सो दैट्स ऑल लेट्स कैचअप टूमोरो एट फाइव पी एम right and then we will proceed further thank you